आए, तभी जरूरत होती है उन एक्सपर्ट्स की जो रखते हैं तगड़ी पकड़ बाजार पर, स्टॉक्स पर। आइए करते हैं स्वागत हमारे दमदार पैनल का पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात हिमांशु। अनिल जी देखिए, नोटा का प्रयोग तो मैंने काफी बार करा है, पर जब जब कॉल्स दी हैं, जैसे टाइटन की दी, वरुण बेवरेजेस दिया, सब चले हैं, पर आज एक जो स्टॉक दे रहा हूं वो है अपोलो हॉस्पिटल। इसको पहले भी हमने दो तीन बार रिकमेंड करा है, और अपोलो हॉस्पिटल के साथ अनिल जी यादें जुड़ी हैं। जब कोविड की वेव 2 थी तो आपको ध्यान हो तो संदीप बागले जी का ना स्लिप ऑफ टंग हो गया था। उन्होंने बोला था मुझे अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाने की जगह उन्होंने बोल दिया था मैंने अपोलो हॉस्पिटल जाना है, तो आपने काफी खिंचाई करी थी। तो मेरा पिक ऑफ द डे है अपोलो हॉस्पिटल। 4800 के नीचे सस्टेन करता है तो निकलने की राय है एस 5035, 5035 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल है पिक ऑफ द डे। वागली जी के शब्द ये थे, मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल। उसके आगे के हमने सुनने से इंकार कर दिया के साथ कर बराबर है बंसल जी यही बोले थे नहीं अनिल जी, उन्होंने आगे का दिन सुनने से हमने इंकार नहीं करा था, तो आगे का बोलना भूल गए थे अनिल जी। ये बोले हम लोगों को वही झटका लग गया, मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल। तो अरे वागले साहब, भगवान आपको अच्छी खासी हेल्थ चुस्त दुरुस्त रखे, मुस्कुराहट बनाए रखे, नहीं मुस्कुराहट आए, मुस्कुराहट तो हमारी बनाए रखे हमारे चेहरे पे, वागले साहब का तो लाने की जरूरत है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लाए, खुश रहे, मस्त रहे। अच्छा बंसल जी ने अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की राय दी है और 5035 का रखा है टारगेट, 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कल आप शायद थे शो पे, मैं नहीं था तो शायद मिल नहीं पाए। छुट्टियां उट्टिया ठीक रही आपकी, फर्स्ट क्लास? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, डीप मॉर्निंग, बिल्कुल बहुत अच्छी छुट्टियां हो गई, पूरे 10 दिन की छुट्टी ली थी अनिल जी, करियर में सबसे बड़ी छुट्टी ली थी और काफी रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। देखो मेरा दिल देखो कितना बड़ा है, आपको दे दी, दो हफ्ते की सैजी साहब को दे दिए, जैन साहब भी, जैन साहब तो फिर भी थोड़ा काम कर रहे हैं, जैन साहब से आप सबको सीखना चाहिए। देखो वहां से उनको खाली एक जेम्स देना होता है ना, तो कहीं कहीं से करके पहले तैयारी करके, वो बोले जैसे मैंने सामान पैक किया ना जाने के लिए, वैसे 8-10 जेम्स पैक करके लेके गया हूं, ताकि एक 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 करके वहां से निकाल के देते रहे। तो किरण जी आपका फिर से स्वागत है, बताए सर क्या करना है? अनिल जी बाय करने की सलाह है और ऑयल इंडिया में बाय करने की सलाह है। 238 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कल का क्लोज 244 का है, 255 का पहला टारगेट रहेगा, 260 का दूसरा टारगेट, और दोनों टारगेट एक से दो दिन में आने की संभावना है। ओके, तो ऑयल इंडिया ये है वो स्टॉक जहां पर किरण जी को करना है खरीदारी का मौका देखना है 238 के स्टॉप लॉस के साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो ये जो छुट्टी से लौटे किरण जी, अनिल जी, अनिल जी लोगों की टाइमिंग बड़ी गजब की, अनिल जी कुछ भी हो मानना पड़ेगा। जैन साहब ने, सेठी साहब ने, किरण जी ने, मतलब ऐसे मौके पर अनिल जी छुट्टी पर जाने का विचार किया, तो अनिल जी ऐसा लगता है जैसे इनको पहले ही आभास था कि ऐसी गिरावट आएगी। नहीं इनकी टाइमिंग तो ठीक है, हमें अकेला छोड़ गए, उसका क्या, छुट्टी पर है। हाँ इनके तो टाइमिंग ठीक है, हमें अकेला छोड़ गए मुसीबत के समय में। ये तो कुणाल जी, राकेश जी आपने देश को संभाल रखा है तो लगे रहे, धन्यवाद आप दोनों का भी। बताए सर अब क्या करना है? अरे जी खरीदना है एनएमडीसी, हमने एक जबरदस्त रैली देखी है सारे मेटल्स में, और एनएमडीसी में भी कल के ट्रेड में जबरदस्त मूव आया, मुझे लगता है अनिल जी अभी और ये मूव एक्सटेंड करेगा, थोड़ा लेट मूवर है एनएमडीसी बाकी मेटल्स की तुलना में, तो मेरी राय में यहां बाय करके चलें। 147 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है अनिल जी 160 रुपए तक का एक स्ट्रेट रैली देखने को मिलेगी, 160 पार हुआ तो स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, तो मेरी राय में खरीदारी करके चले एनएमडीसी। परफेक्ट, तो एनएमडीसी खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। आइए शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ हैं, कोलकाता से जुड़ चुके हैं। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर, हमारा पिक ऑफ द डे होगा अतुल ऑटो। कंपनी थ्री व्हीलर्स में ज्यादातर काम पूरा काम करती है, कंपनी ने रिसेंटली सीएनजी एलपीजी से रिलेटेड मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं, और अगले कुछ महीनों में जो थ्री व्हीलर इन्होंने इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है उसका भी फायदा होना चाहिए।
टोटल थ्री व्हीलर स्पेस में जो कोविड के पहले लगभग 1 लाख यूनिट पर मंथ की सेल होती थी वो घट के लगभग 65,000 पे आ गई है। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में ग्रेजुअली जैसे जैसे स्कूल्स वगैरह खुलते हैं और पूरी ओपनिंग अप होती है थ्री व्हीलर की सेल्स भी पिकअप करेगी। इन एडिशन टू दैट जो हब एंड स्पोक मॉडल है गवर्नमेंट का उसकी वजह से जो कार्गो कैरियर है थ्री व्हीलर्स की उसमें भी डिमांड में अच्छा पिकअप आना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मिला के ये स्टॉक में काफी अच्छी रीरेटिंग होने की संभावना है क्योंकि पहले स्टॉक लगभग 5,000 पर मंथ की सेल कर रहा था, कोविड के टाइम में वो घट के करीब 1500 के आसपास पर मंथ आ गई है। तो अगले साल में ये उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी वापस नॉर्मलाइज सेल्स पे काम करेगी। हमारा ये अनुमान है कि अगले साल में कंपनी लगभग 15 रुपए की ईपीएस रिपोर्ट करेगी और उसके अगले साल लगभग 24 रुपए की। हमारा लक्ष्य है 222 रुपए का। ओके, 222 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप अतुल ऑटो में। ये राय शरद जी की तरफ से। पालिया साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर क्या इरादा रखते हैं आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी जो स्टॉक बाय करना है वो गेल। गेल के स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया है और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3 दिनों से बाइंग एक्शन बनी है हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से और भी अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 150-250 के आसपास कल कैश सेगमेंट में क्लोज था इसका, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 148 का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 158 से लेकर 162 तक के। तो गेल पे बाय करने की सलाह रहेगी। पिक ऑफ द डे गेल खरीदे, ये है राय आपके लिए आती है इस वक्त। आप 158-162 दो टारगेट, 148 का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन दिखने वाला है उन पर राय ले ली जाए। पहला तो यूपीएल ही है जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेगा भी। तकनीकी तौर पर तो खैर मजबूत है ये, 690 के आसपास बंद हुआ। लेकिन शरद जी बताएं इंटरेस्टिंग चीज है। पहली चीज तो ये कि भारी भरकम प्रीमियम पर बायबैक हो रहा है 27% ऊपर, साइज भी बढ़िया है 1100 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ शेयर खरीदने जा रहे हैं, 1.25 करोड़ शेयर कम नहीं है। और उसके अलावा होगा जरूर ओपन मार्केट रूट से, मार्केट से खरीदेंगे और प्रमोटर्स बायबैक में अपने शेयर नहीं बेचेंगे मार्केट में, ये चीजें आई है। बताएं सर क्या करना है यूपीएल में? जो बिल्कुल मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी पॉजिटिव है। अगर आप टॉप स्टॉक्स में देख रहे हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से फॉरवर्ड मल्टीपल पे 7 या 8 के मल्टीपल पे है। थोड़ा सा ओवरहैंग है उस एक्विजिशन के बाद जो डेट है, बट पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से इन्होंने और जिस स्पीड में डेट को रिपे भी किया है वो काफी कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे यूपीएल एक रिस्क फ्री बेट जैसा है और यहाँ से जो प्रीवियस हाईज है उनके भी ऊपर जाने का बिल्कुल स्कोप बनता है स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल, इस पर रखे राय। और दो टारगेट जो अनिल जी के थे वो तो हिट हो गए हैं, अब देखते हैं क्या तीसरे टारगेट की तरफ ये बढ़ता है कि नहीं। वेदांता पर भी रखिए नजर क्योंकि इस पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। 13 रुपए का तीसरा अंतरिम डिविडेंड आया है, 10 मार्च को इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। पालिया साहब वेदांता की चार्ट देखकर बताएं सर। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है दीपांशु जी, और देखे तो जिस तरीके से पूरे मेटल पैक में कल भी एक एक्शन था, हमें लगता है कि वेदांता का सेटअप अगर इंडिविजुअली भी देखे तो स्टॉक जिस तरीके से वीकली मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम जिस तरीके से बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में अपसाइड में 405-410 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 387 पे बिल्कुल बाय करना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो होना चाहिए करीब 376 का और अपसाइड के टारगेट हमें 405-410 तक आते हुए लग सकते। तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है वेदांता का, तो बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता, यहाँ पर आप रखिए नजर। वेदांता और यूपीएल दोनों यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से फोकस में आते हुए दिखेंगे। वोडाफोन भी आज एक्शन में होने वाला है, शरद जी इस पर अपनी राय दें। जो इंडस टावर के साथ डील थी पिछली बार भी आपसे इस पर बात हुई थी, आज फंड रेजिंग है तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इंडस टावर डील से वोडाफोन पीएलसी को पैसे मिले हैं वही इन्फ्यूज करा जाएगा, बट क्या राय देते हैं? कल स्टॉक भी अच्छे एक्शन में था। वोडाफोन मेरा अभी भी यही मानना है कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा सेंसिबल एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अभी भी काफी सारी चीजें कंपनी को सॉर्ट आउट करनी बाकी है अगले साल 1.5 साल में। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है हमारे हिसाब से वैसे पोजीशंस बनानी चाहिए जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर ले सकते हैं क्योंकि लीवरेज अभी भी कंपनी में ये डील के बाद भी थोड़ी बहुत तो रहेगी और आने वाले 5G ऑप्शंस में भी इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी नए पैसे की। तो मुझे लगता है ये तो इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स रिलायंस जी और भारती एयरटेल। तो चलिए नजर रखेंगे वोडाफोन आज क्या होता है फंड रेजिंग में, कुछ और एक्शन अगर आपको इस पर निकल कर आता है या नहीं ये देखना जरूरी रहेगा।
देखना जरूरी है एक्शन जो आ सकता है आपके लिए आज वॉकहार्ट के चार्ट पर। ये भी एक्शन में रहने वाला है क्योंकि फंड रेजिंग जो राइट्स इशू था उसकी डिटेल्स आज निकल कर आएंगी। मंजूरी तो जनवरी में मिल गई थी। बंसी जी, वॉकहार्ट के चार्ट पर कोई राय सर? देखिए दीपांशु, वॉकहार्ट का चार्ट काफी खराब है, इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला हुआ है, तो इस न्यूज के चलते मेरा ऐसा मानना है अगर कुछ भी पुलबैक आता है और पुलबैक में स्टॉक 365-370 तक जाता है तो यहां से निकलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जो यूक्रेन में हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं लगता है। टेक्निकली काफी खराब डिस्टॉर्टेड पैटर्न है, उछाल पे निकलने की राय है। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, मेटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल है, टाइटन है, उछाल में यहां से निकल के स्विच करना चाहिए। ओके, स्विच करें, उछाल में निकले वॉकहार्ट में, ये है आपके लिए राय बंसल जी की तरफ से। तैयार है सुमित जी? आज सुमित जी गुड मॉर्निंग, लेट उठे आज? मुंबई के ट्रैफिक का एक ही फायदा है। बाकी जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मुंबई के लोग सब एडजस्ट कर लेते हैं ट्रैफिक, हाँ ये तो रोज ही रहता है, डेढ़ घंटा दो घंटा लगा लगता है, एक ही फायदा है कहीं भी लेट होना मुंबई के ट्रैफिक को दो और कोई उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। भले सुबह 7 बजे मुझे भी पता है, सुमित जी को पता है कोई ट्रैफिक कहीं नहीं होता, 7 बजे तक ये पता है उनको भी, हमको भी मालूम है, लेकिन सुमित जी की बात तो माननी पड़ेगी। चलिए सुमित जी सुप्रभात, बताए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी आपने एकदम सही कहा, मैं रोज के टाइम पे ही निकला था। कभी कभी क्या होता है बीच में एक ट्रक या एक गाड़ी भी खराब हो जाती है ना, तो मॉर्निंग आवर्स में फिर वो 10-15 मिनट ज्यादा एक्सटेंड करता है। आई नो, हो जाता है, सही बात है। कई बार सुमित जी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बीच में निकलते हैं, फैंस इतने होते हैं रोड के हाथ दिखाते रुकाते, सुमित जी एक सेल्फी प्लीज एक ऑटोग्राफ, फिर सुमित जी का भी दिल बड़ा है, रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है क्या फर्क पड़ता है 10 मिनट लेट चलेंगे थोड़े उनका इलेक्शनरिंग हो जाए। हाँ बिल्कुल, बताए सर पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे मुझे ऐसा लगता है मुथूट फाइनेंस को यहाँ पे चूज करना चाहिए। मुथूट फाइनेंस में यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा रहा है। 1380 के आसपास मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करें, 1350 का नीचे के अंदर स्टॉपलॉस लगाना है। ऊपर में 1425 रुपए से लेके 1440 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर मुथूट फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करें, 1425 1440 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, 1350 का नीचे में स्टॉपलॉस लगाना है। देखो हमारे दर्शक कितने समझदार है, बोले आपने सुमित जी की क्लास लगा दी लेट आने पे, मतलब गजब समझ जाते हैं। सुमित जी समझ तो गए होंगे आप, अच्छे से समझ गए होंगे। आइए वागले साहब भी हमारे साथ तैयार है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, मेरा पिक ऑफ द डे है गुजरात नर्मदा वैली। 583 का बंद है, 578 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, मुझे लगता है ये 600 तक आज और कल में जाना चाहिए। ओके, तो 600 तक के टारगेट के लिए जीएनएफसी पर करें खरीदारी। कल भी हमारे रेडार पर था, बाय कॉल्स आ रही थी, इनफैक्ट वागले साहब ने इस पर बात भी करी थी। वागले साहब आज के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा सर? पोजिशनल व्यू अगर आपको लेना है 1-2 दिनों के लिए तो उसका स्टॉप लॉस लगभग 575 के नीचे का होना चाहिए। अगर आपका डे ट्रेडिंग होना है तो आज के डे के नीचे का 0.5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय जीएनएफसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन आप वैसे भी देख रहे हैं, जीएनएफसी फोकस में आया, चंबल फर्टिलाइजर लगातार एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा है, एंड ऑफकोर्स यूपीएल, यहां पर भी बायबैक की खबर आई है, अनिल जी के 2 टारगेट्स भी हिट हुए। और अनिल जी आपसे एक राय भी मैं लूंगा, मार्केट खुलेगा उसके बाद जहां पर रेट सेटल होते हैं तब आपसे राय भी लेंगे इस पर कि बायबैक के लिहाज से क्या करना है, क्योंकि कल की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 27% के प्रीमियम पर ये जो बायबैक होने वाला है 875 रुपए पर, इसमें आपको क्या करना चाहिए यह भी अनिल जी से थोड़ी देर में जानेंगे। आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, देखते हैं किस तरह की तेजी या एक्शन के लिए हो रहे हैं ये तैयार। आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपए का टारगेट इस पर आया है, तो एक टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू दोनों लिया जाए इस पर। आईसीआईसीआई बैंक पालवे साहब कैसे देखते हैं चार्ट को? तो दीपांशु जी देखिए, बैंकिंग सेक्टर में पिछले दिनों में काफी बड़ा एक करेक्शन देखने को मिला, उसके चलते आईसीआईसीआई बैंक में भी एक करेक्टिव मूव हमने देखा है, और जिस तरीके से इसके सेटअप बने हैं नियर टर्म चार्ट पे एक वीकनेस जरूर बनी है स्टॉक में। हमें लगता है लोअर साइड पे जो ये स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है इसका करीब 690 की जोन में। अगर ये लेवल को होल्ड कर लेता है और मार्केट कहीं सेटल होते हैं और रिवर्सल बनता है यहाँ पे, तो जरूर आईसीआईसीआई बैंक में एक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये करेक्शन। और हमें लगता है 690 एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए,
यहाँ पे अगर बाय इनिशिएट करते हैं तो ये पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए, 690 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, अगर वो लेवल वॉयलेट नहीं होते तो जरूर यहाँ पे एक पुल बैक बनते हुए दिखेगा और हायर साइड पे 748 से लेकर 765 ये दो अपसाइड के टारगेट हमें लगता है नियर टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो ICICI बैंक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है और करेक्शन में एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 690 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक पर आए। एक छोटा स्टॉक है जहां खबर आई है और मुकुंद लिमिटेड, जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी। थाने में इनके पास, ये मुंबई के पास ही थाने हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे हम मुंबई में रहते हैं, हमको पता है तो सबको पता है, इंडिया में सारे लोग जरूरी नहीं थाना कहाँ है, उनके थाने से मतलब भी अलग होता है, पुलिस थाने से थाना बोलते हैं, ठाणे मराठी में बोलते हैं ठाणे, वो सही शब्द है। 47 एकड़ जमीन बेचने के लिए इन्होंने एक करार किया है, 806 करोड़ में बेचने जा रहे हैं जमीन, तो बड़ा अमाउंट आने वाला है कंपनी को। चार्ज देखिए जरा अनिल जी, स्टॉक के अंदर एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक के अंदर नीचे में 119 120 का सपोर्ट बन रहा है और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर के अंदर 8 से 10 रुपए का मूव आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी ऊपर के अंदर 138 रुपए से लेके 140 रुपए तक का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से बनेगा और 140 का लेवल अगर एक बार ऊपर पे तोड़ता है तो फिर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जिसमें 155 से लेके 160 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अनिल जी मुझे तो थाने के बारे में एकदम अच्छे से पता है क्योंकि मेरा तो ससुराल भी थाने में है। तो कौन सा आप तो जब भी ससुराल जाते होंगे थाने में बंद हो जाते होंगे आप। हां अनिल जी, जब से शादी हुई तब से बंद ही हूं। वैसे तो होने में तो हमारे कोई जैन साहब भी कम नहीं है बंद होने के मामले, ऑफिशियली खाली सुमित जी बंद होते हैं। चलिए तो ये है आपके लिए सुमित जी की राय मुकुंद लिमिटेड पर। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ। चलिए भारतीय बाजार में हरे निशान के साथ शुरुआत के हैं सारे संकेत, लेकिन देखते हैं खुलने के बाद क्या कितनी और बढ़त बनेगी, कहां आएगी प्रॉफिट बुकिंग और कहां पर आपको करने हैं ट्रेड के मौके, खास तौर से वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के लिए। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी अच्छे मूड माहौल के साथ है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ट्वीट करके बोले आपका एनर्जी लेवल आज कुछ अलग ही है, एकदम ज्यादा है, ऐसा सही है? आई थिंक वो शिवरात्रि का कैरी फॉरवर्ड। हाँ, दो चीजें फिर इसका मतलब मुझे हर हफ्ते में एक छुट्टी बीच में मिलनी चाहिए और फिर फेस्टिवल हो, त्योहार हो, इतना बड़ा उत्सव हो, एनर्जी मिलती है। एक्चुअली बहुत लोगों को ये लगता है कि रात को 12-1-2 बजे तक जगेंगे तो नेक्स्ट डे काम कैसे करेंगे, वो होता है नेचुरली, दिमाग में आना ठीक भी है। मेरे एक दो दोस्त है वो कहते भी है कि मुझे कोई करोड़ रुपए दे दे मैं उठूंगा तो सुबह 9 बजे, उसके पहले नहीं उठूंगा। मतलब कुछ लोग होते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के फंक्शंस में होते हैं तो वहां से आपको जो पावर मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो आपको ये फील करने वाली चीज है। सो आई एम श्योर बड़ा इवेंट था आपका, मजा आता है। तो चलिए मार्केट भी आज पूरे मूड में है और मूड में है हमारे साथ वरुण बताने के लिए कि भाई क्या कुछ हुआ है रशिया और अमेरिका के बीच में। डेफिनेटली सॉरी, रशिया और यूक्रेन, रशिया अमेरिका के बीच में कुछ ना हो, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कुछ हुआ है थोड़ा अपडेट दे दो आप। डेफिनेटली, तो सबसे पहले तो गोलीबारी जो है वो अभी भी जारी है, बमबारी जो जारी है रूस की तरफ से, तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि कीव में अभी भी रूस की तरफ से भारी गोलीबारी जो है वो जारी है। इसके अलावा यूक्रेन की जो रक्षा मंत्रालय है उसके पास कल धमाके हुए हैं, ये एक और अपडेट है। वहीं यू नो यूक्रेन की सदर्न सिटी है खेरसोन, इस पे रशिया का अब पूरे तरीके से कंट्रोल है, तो रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया है, ये एक और अपडेट निकल के आया है। यूक्रेन का डेलीगेशन जो है आज रशिया के डेलीगेशन से मिलने वाला है पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पे, कहीं ना कहीं ये अब मिलने वाले हैं, तो ये एक और अपडेट है। इसके अलावा कुछ और सैंक्शंस लगे हैं, एक तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं बेलारूस और रशिया के डिफेंस सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के स्टेट मीडिया आरटी और स्पुटनिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो ये भी एक अपडेट है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने अपने सारे प्रोजेक्ट जो है वो रशिया और बेलारूस में रोक दिए हैं। कल फिर से एक बार यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से बयान आया है और इस बार उन्होंने पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन से बातचीत की है, वहां से छात्रों को निकालने के लिए भरोसा मिला है, लेकिन भारतीय छात्रों को बंधक बनाने की खबर भी निकल के आई कल। रूस ने बेसिकली ये दावा किया कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को ढाल बना रहा है और उनको यूज कर रहा है, लेकिन आज सुबह सुबह इनफैक्ट कुछ देर पहले ये खबर निकल के आई विदेश मंत्रालय के द्वारा कि उन्हें ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है कि भारतीय छात्रों को वहां पे बंधक बना के एज अ ढाल यूज किया जा रहा है। तो ये पूरा अपडेट है कल से अब तक का।
ओके तो मतलब इसमें खास खास चीजें जो है, एक तो लड़ाई तो चली, लड़ाई एक उन्होंने कैप्चर कर लिया अनिल जी, वो खेरसोन करके है सदन पार्ट में जो है वो खार की लगभग कंट्रोल में, हाँ राइट, तो ये गया इनके हाथ से, ये एक तकलीफ है। और वहाँ के मतलब बेसिकली मैं कुछ ऐसे भी पढ़ा था अनिल जी की, वहाँ के जो नॉर्मल सिविलियंस है यूक्रेन के, अब वो भी कह रहे हैं कि हम खुद वॉर में उतर जाएंगे, और वो एक्चुअली रस्ते पे उतर चुके हैं यूक्रेन के, रशिया के बिरतपुर को रोकने के, जो कि कीव से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आई भी थी काफी, उन्होंने हथियार बांटे भी हैं, राइफल बांटी है, एक वो पिक्चर उनकी जो पहली मिस यूनिवर्स रही हुई है उनके, वो भी हथियार लेकर लेकर उन्होंने फोटो खिंचवाई है, राइट। और ऐसा भी है कि मतलब पेट्रोल बम जो हाथ में मिले वो लेके रोको इनको। एक्चुअली देखिए हर हर आदमी का अपने देश के प्रति प्यार होता है, और यूक्रेन वालों का भी है तो है ही है, क्या है कि बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टोरीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सुन रहा था, जैसे एक बच्ची थी जो भारत की स्टूडेंट है, वो वहाँ पर यूक्रेन में जहाँ रह रही थी, उन्होंने उसने छोड़ने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर उनके उनके जो लैंडलॉर्ड है वो आर्मी में है, तो उनकी वाइफ और शायद बेटी या कुछ अकेले, तो बोले मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक डॉक्टर की कहानी कल हमने सुनी है, बंगाल के एक डॉक्टर है, वो वहां से निकलने को तैयार नहीं, वो सब भारतीयों को निकालने में पहले मदद कर रहे हैं। तो काफी लोग हैं जो बड़ी इंस्पिरेशन है इस तरह के माहौल में, और जाहिर सी बात है कि अगर यूक्रेन वाले जिस तरह से जितना लड़ रहे हैं तो अपने देश के लिए हर कोई लड़ता है, लड़ना भी चाहिए। आइए चलिए शुरुआत हो चुकी है प्री ओपनिंग सेशन की, पहली टिक पर आपके लिए देख लेते किस तरह का एक्शन दिख रहा है। इस वक्त 5 पॉइंट ऊपर दिख रहा है निफ्टी, 565 पॉइंट ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स। चलिए तो ये है आपके लिए शुरुआती पहले संकेत, थोड़ी देर में सेटल होने देते हैं, तब तक दीप तैयार है पूरे एक्शन के लिए। हमारे यहाँ एक्शन ठंडा हो, दीप यहाँ कम नहीं है, जाने दीजिए सर। क्या मैं अभी रोज बताऊं? बताओ। 8550 रिकॉर्ड सर पे ऑलरेडी आ चुका है सर, अब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, डर लगता है जो रिटेल लेवल पर हमें दाम देने पड़ेंगे पेट्रोल डीजल के लिए। बट हाँ, 8550 पर कच्चा तेल 300 रुपए। 7 तारीख को लास्ट वोटिंग है ना? यस सर, लास्ट वोट भाई, लोग 7 तारीख को टैंक फुल कर रहे हैं, 6 तारीख को सब फुल करवा ले रहा है। बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे जितने बचे उतने बचे, बहुत बचेंगे सर, मार्केट में तो बन नहीं रहे आप लोगों के, कम से कम वहां तो बचाओ, तो बचाओ। हाँ, तो पहले पहले भरवा लेना, जिस जिसको टैंक फुल करा है 6 तारीख को या 7 तारीख को सुबह सुबह, 100% इससे पहले कि दाम बढ़ जाए। बिल्कुल सर, तो 4% ऊपर इस समय कच्चा तेल भारतीय बाजारों में आपको दिख रहा है। कल शाम से अब तक देखें तो बहुत ही बड़ा उछाल हमने यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए देखा है, और 3 दिनों में लगभग 20% की रैली इंटरनेशनल मार्केट्स, भारतीय मार्केट्स कंबाइंड आप देख चुके हैं। नेचुरल गैस 3.5% ऊपर यहाँ पर भी आपको दाम दिख रहे हैं, फिलहाल 370 के लेवल पर नेचुरल गैस के दाम आपको आते हुए दिखेंगे। गोल्ड में कल हल्की सुस्ती हुई थी पर वापस एक्शन आ गया है, 51,600 पर गोल्ड के दाम दिख रहे हैं, और सिल्वर पर भी रखिए नजर, इस पर भी बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस यहां पर तेजी है। एल्युमिनियम के दाम एलएमई में ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर पर है भारतीय बाजारों में, आप देख रहे हैं अब 300 के स्तर पर एल्युमिनियम आ गया है। लेड ऊपर है, जिंक आज बड़ा उछाल दिखा रहा है 2.5% ऊपर, निकल 2.5% ऊपर है, और कॉपर में भी आप तेजी देख रहे हैं। तो अनिल जी, ऑयल एंड गैस और बेस मेटल्स यहां पर बड़ा एक्शन है, पर गोल्ड और सिल्वर में भी हल्की हल्की खरीदारी हो रही है, तो अक्रॉस द बोर्ड बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक ऑयल एंड गैस काउंटर्स का सवाल है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ओपनिंग के लिए लग रहा है कि आज फिर से निफ्टी का टॉप गेनर ONGC ही होने वाला है, हालांकि इन रेट्स को सेटल होने देंगे, बट ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा बूस्ट ONGC को मिलते हुए दिख रहा है। एक बार शरद जी से जानते हैं, ONGC, शरद जी, ऑयल इंडिया, इवन गेल, क्या करना है सर इन शेयर्स पर जिस तरह से कमोडिटी के दाम ऊपर जा रहे हैं? देखिए, मैं प्योरली ONGC और ऑयल इंडिया पे तो बहुत बुलिश बेट्स नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बियॉन्ड दिस वॉर के और बियॉन्ड ये जो टोटल क्लोजिंग का ट्रेड था, इसके बियॉन्ड, कोविड के बियॉन्ड और वॉर के बियॉन्ड, ऑयल में ज्यादा तेजी रहने की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला जो शिफ्ट है वो एक मेजर हिस्सा ऑयल में से निकाल देगा, तो टेम्पररी है वो, बिल्कुल रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स फेवर में नहीं है ऑयल में तेजी के। गेल में कॉन्ट्रेरियन बेट है, मुझे लगता है जिस तरीके का सिटी गैस का प्लान है और जिस तरीके की गेल की एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेसिस है और गैस की यूजेज लगातार बढ़ती रहनी चाहिए आने वाले समय में, और गेल इसके अलावा भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, तो गेल इन वैल्यूएशंस पे एक बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है। तो ये है आपके लिए कुछ कमोडिटी लिंक्ड प्लेस, और गेल पसंद आ रहा है शरद जी को इन लेवल्स पर जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पालविया साहब की भी पिक ऑफ द डे में ये स्टॉक शामिल था, तो वहां पर आप मूव्स ज्यादा एक्सपेक्ट करके चले। पीरावल एंटरप्राइजेस, वागे साहब, क्या रहा है इसके चार्ट पर? CLSA ने टारगेट कट किया है पर अपग्रेड किया है टू बाय, तो अब इनका जो करंट टारगेट है वो 2800 का निकल कर आता है। कल की क्लोजिंग से देखें सर तो बहुत बढ़िया अपसाइड देख रहे हैं, चार्ट्स क्या कहते हैं वैसे तो गिरावट के ट्रेंड में रहा है पीरावल?
दीपांशु चार्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बाउंस बैक हो सकता है, जो 2250 आउटर साइड 2300 मुझे लगता है क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यस उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है फिर मैं 2500-600 की बात करूंगा, फिलहाल थोड़ा सा वो धूप दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय जहां तक पीरामल का सवाल है। किरण जी, कोल इंडिया ये भी एक कमोडिटी लिंक प्ले है, ग्लोबली कोल के प्राइसेस भी रिकॉर्ड लेवल पर आ गए हैं और ओएनजीसी के साथ साथ कोल इंडिया में भी हम एक्शन देख रहे हैं। आज इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने 238 का टारगेट दिया है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, ई ऑक्शन प्रीमियम्स कह रहे हैं डबल हो रहे हैं कंपनी के, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? ओके, दोबारा जाएंगे किरण जी के पास, तब तक बंसल जी आप ही जरा कोल इंडिया के चार्ट पर राय देने। देखिए दीपांशु, कोल इंडिया का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अब इसमें ना दीपांशु ये नहीं देखना चाहिए कि 155 रुपए से स्टॉक जो है 184-185 हो गया है, टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ हुआ है, शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है, मेरी तो खरीदारी की राय होगी यहां पर, और टेक्निकली दीपांशु मुझे लगता है स्टॉक 200 रुपए की तरफ जा रहा है, 200-202 के टारगेट्स हैं, अगर हल्की फुल्की डिप आए तो कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया जहां पर आपको रखनी है नजर, ओएनजीसी पर भी आपको रखनी है नजर, और नजर रखिए यूपीएल पर भी, 710 के करीब ऑलमोस्ट रेट सेटल होने वाले, 700 के ऊपर की क्लोजिंग के इंडिकेशन आ रहे हैं, तो एक तो तीसरा टारगेट लग रहा है ओपनिंग पर हिट हो जाएगा। मोर इंपोर्टेंटली अब क्या करना है सर यूपीएल में, बायबैक के लिहाज से क्या देख रहे हैं? देखिए दीप, 700 और 720 दो टारगेट बाकी, 785 तक के कल आ गए, तो 720 के आसपास के टारगेट पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 700 पे थोड़ा कर सकते हैं। बेसिकली देखिए खबर आ गई है और आप सबको पता है, हालांकि डाउनसाइड रिस्क नहीं है, या तो आप ट्रेल करते चले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको प्रॉफिट बन ही रहा है। करेक्ट, क्या है कि ये वो टेंडर वाला बायबैक नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा, बायबैक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये वाला बायबैक कैसा है, अगले 6 महीने में कंपनी जब इनको ठीक लगेगा अपनी मर्जी से मार्केट से खरीदते जाएंगे, किस दिन कंपनी खरीदते आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें होता क्या है, 225 करोड़ शेयर अगर कंपनी को खरीदने 6 महीने में, तो नेचुरली आपको पता है कि डाउनसाइड रिस्क कम है, जिस दिन बाजार किसी वजह से बहुत खराब होगा उस दिन कंपनी अपने आप खरीदेगी, है ना। सो ये ध्यान में रखिए, तो नीचे की रिस्क कम है, अगर बाजार चला तो भाग के और बढ़ जाएगा, तो दो ही तरीके, या तो 720 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बुक करें, मेरे टारगेट आ गए तो फिर मैं बोलूंगा कि बुक करो, दूसरा तरीका ये कि आप ट्रेल करते चलो स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट भी वोलेटाइल है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, नीचे की रिस्क कम हो गई है जी, और ऊपर के टारगेट आपके आ ही रहे, तो आप आपकी एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेड था वो कंप्लीट होता है जी। अगर आपको लंबा रखना है तो फिर उस हिसाब से आप पोजीशनिंग कीजिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि जैसे टीसीएस में मैंने आज यूपीएल खरीदा है 875 में कंपनी लेगी, ना ऐसा नहीं है। करेक्ट सर, ये वैसा बायबैक नहीं है, हर तरह तरह के बायबैक अलग अलग होते हैं, ये ओपन मार्केट परचेज वाला बायबैक है, जो टीसीएस वाला बायबैक है वो टेंडर रूट वाला। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो 23 फरवरी तो निकल गई अब क्या करें, अरे भाई साहब डेट आएगी, उस डेट तक आपको टीसीएस को शेयर ट्रांसफर करना है, अभी आप अपने पास रखिए, अभी अपने पास रिकॉर्ड, हाँ अब वो डेट आएगी अलग से, ओपन ऑफर खुलने की डेट, ओपन ऑफर बंद होने की डेट जी, है ना, जब वो डेट आएगी तब आप दीजिएगा, अभी कुछ मत करिए, है पड़े दो, आएगी तब आएगी जी सर। चलिए, पर रेट सेटल हो गए सर, और यूपीएल तो 700 के ऊपर खुली रहा है तो टारगेट हिट है, बट निफ्टी भी जो एसजेएक्स दिखा रहा था उससे तो काफी मजबूत खुल रहा है, 117 अंक ऊपर, बनता है इतना तो बनता है, 100% बनता है। आप जो कह रहे थे डाउ 600 है तो अपना भी थोड़ा तो होना चाहिए, अच्छा तो उतना बनता है, खाली कि थोड़ा एफ आई कल बेचा, बट बेच के अच्छा होना नीचे आ गए, हल्के पोजिशन हल्की कर ली उन्होंने, काफी कम हुई, कितना आ गए थे एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन, 47% बहुत कंफर्टेबल हो गया, कंफर्टेबल मेरे को 60 के ऊपर कंफर्ट नहीं रहता जी, 45-40 की रेंज में आता है मैं कंफर्टेबल होने लगता हूँ, ठीक है अब ज्यादा नहीं बेचेंगे जी, तो अगर बेचेंगे तो हम संभल जाएंगे, तो 16723 यहाँ पर हम खुल रहे हैं, क्या करना है देखिए, ऊपर के टारगेट बता देता हूँ, 16750 और 16800 जी, और प्रिसाइजली यहां तक जाने की तैयारी, तो आपको अगर लॉन्ग पोजिशन है तो होल्ड करना है, टारगेट 3 रखिए, 750 790 815 एकदम प्रिसाइज टारगेट दे दिया आपको, ये सारे सपोर्ट लेवल के है, उसके बाद आगे रिव्यू करेंगे कि क्या करना है ना। फ्रेश खरीदना है, थोड़ा नीचे मिले 16750 के आसपास, सॉरी 650 के आसपास, वहां पर एंट्री कीजिए, वैसे मुश्किल लगता है आज जो खुल रहे जिस हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि आज बहुत खुल के ज्यादा 75 पॉइंट नीचे आएगा, आए तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत एग्रेसिव है तो यहां पर खरीदिए, थोड़ा नीचे आए 700-650 में तो और लीजिए 600 का स्टॉप लॉस लगाकर, अगर बहुत एग्रेसिव है तो, जो कि आपको होना नहीं है वैसे कायदे, तो ये आपके लिए होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी कहां खुल रहा है, 35621
तो हमें दीप है ना 35,800 के ऊपर ही फ्रेश मजबूती दिखेगी। फ्रेश क्या मजबूती दिखेगी, फ्रेश तो क्या मजबूत तो वही ना बैंक निफ्टी। तो 35,750 का जो हमने लेवल दिया था, 35,800 के ऊपर टिकता है तो बैंक निफ्टी खरीदना है, और तब बैंक निफ्टी को आपको खरीदना है। टारगेट आपके जो बनेंगे 35,975, 36,200, 36,365, 36,425 के आसपास। एग्रेसिव ट्रेडर है, थोड़ा यहां ले सकते हैं, थोड़ा अगर नीचे में मिले आपको और वो नीचे का लेवल होगा 35,375 के आसपास का। अब वो 250 पॉइंट नीचे आता है, अगर आप 250 पॉइंट नीचे का और इंतजार कर सकते हैं, वहां ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं तो लीजिए। तो देखिए रिस्क पूरी है, वोलेटाइल रहेगा, लेकिन आज थोड़ा फर्स्ट हाफ में बायस हल्का पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। उसकी वजह ये कि कल कुछ हल्के हो चुके हैं बाजार थोड़े, सो और ओवरसोल्ड है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक चांस लिया जा सकता है 250 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी। एक बार ऐसा लगता है 35,750, 35,975 यानी कि 36,000 तक के जाने की कोशिश हो सकती है, बाद में रिव्यू करेंगे, बाद में रिव्यू करेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी यहां पर आपको रखनी नजर, एक्शन में ये ओपनिंग पर अच्छे मूव दिखा सकता है। अच्छी बात है कि कल के मुकाबले आज ब्रेथ काफी मजबूत है ओपनिंग पर, सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स हैं, वो भी मामूली गिरावट के साथ खुल रहे हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड। बाकी 47 निफ्टी स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी के साथ खुलते हुए दिखेंगे, आज यहां पर रखेंगे नजर। सरप्राइजिंगली आईओसी पर एक मूव आती हुई दिख रही है, 2.5% ऊपर आईओसी खुलने के लिए तैयार है। किरण जी जरा आईओसी देखिए, 2.5% उछलकर खुलने के लिए तैयार, कोई राय इसके चार्ट पर? वैसे तो ये भी काफी कमजोर है और बड़े ब्रेकडाउन इस पर भी आए हैं। दीप एक रेंज है, 116 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 108 106 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो इस रेंज के बीचों बीच ट्रेड करता नजर आया है। कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं है, पर अगर 116 117 के लेवल्स मिलते हैं तो उधर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए आईओसी पर राय, देखते हैं एक बार ओपनिंग के बाद कैसी मूव दिखाता है। पर आईओसी बीपीसीएल दोनों ही अच्छी तेजी के साथ आज खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो देखते हैं यहां पर मूव आएगा कि नहीं। शरद जी एक राय मारुति पर लेनी थी, कल जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे, फिर इनका प्रोडक्शन डेटा भी आया, 6% कल मारुति फिसला है, वैसे तो बाकी ऑटोज भी कमजोर थे। क्या राय बनती है सर मारुति कल का डेटा देखते हुए? देखिए मेरे हिसाब से अभी भी मंथली डेटा पे ज्यादा ध्यान देना ऑटो में सही नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो ज्यादातर प्रोडक्शन साइड मतलब हिट की वजह से है रादर देन डिमांड एब्सेंस की वजह से है, तो इन नंबर्स पे ज्यादा रीड करना ठीक नहीं है। और जितना हमने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा है, ग्रेजुअली वहां पे इंप्रूवमेंट हो रही है सप्लाई साइड पे, तो हमारा मानना है कि जो वैल्यूएशन वाइज अगले 2 साल की अर्निंग्स पे बेस करके व्यू लेंगे वो ज्यादा सही होगा, अभी मंथली नंबर्स पे व्यू लेना ऑटो में सही नहीं होगा। मारुति इन वैल्यूएशन पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, कंपैरेटिवली M&M या टू व्हीलर स्पेस मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है इन वैल्यूएशन पे। तो टू व्हीलर्स में ज्यादा भरोसा रहेगा मारुति इस समय, ज्यादा इस पर एक्शन एक्सपेक्ट नहीं करिए। टाटा मोटर्स आज ऊपर खुलने के लिए तैयार हो रहा है, सुमित जी टाटा मोटर्स पर कोई राय ओपनिंग पर, कोई स्ट्रेटजी? दीपांशु देखिए टाटा मोटर के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर ऐसा मूव देखने को मिल रहा है, बट लोअर लेवल से मेरे को लगता है खरीदारी करके ही चलना चाहिए। ऊपर में जैसे ही एक बार 407 का लेवल टूटेगा 460, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और 475 रुपए से लेकर 490 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में फिर टाटा मोटर में देखने को मिल सकता है। 460 के ऊपर एक अच्छा मूव टाटा मोटर में बनेगा। पालवे साहब L&T फाइनेंस देखिए, कल एक बड़ा ब्रेकडाउन इसमें भी आया था, वैसे तो बाकी सारे फाइनेंशियल्स भी वीक थे, आज क्रेडिट स्विस का डाउनग्रेड आया है और टारगेट भी 90 से इन्होंने 75 कर दिया, हालांकि CMB तो ऑलरेडी उससे भी काफी नीचे है, तो क्या राय बनती है सर L&T फाइनेंस के चार्ट्स पर? तो दीपांशु देखिए स्टॉक में कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक के स्ट्रक्चर वीक है और जिस तरीके से वीकली मंथली सेटअप बने हुए हमें लगता है स्टॉक में अगर कोई पुलबैक माइनर पुलबैक भी बनता है तो वहां पे सप्लाई बनते हुए दिखेगा, शॉर्ट करने की सलाह रहेगी हायर साइड पे। इसके लिए स्टीफ रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो है करीब अब यहाँ पे 68 और 70 के जोन में, जब तक ये लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं होगा स्टॉक इसके आसपास जब भी मिलता है शॉर्ट किया जा सकता है। लोअर साइड में हमें लगता है अगर ये स्टॉक 62 का लेवल तोड़ेगा तो फिर ये स्टॉक में और भी डाउनसाइड एक्सटेंड होगी जो कि इसको 55 की तरफ भी लेके जा सकती है। ओके, तो ये है L&T फाइनेंस पर आपके लिए राय पालव्या साहब की तरफ से आती हुई। चलिए पालव्या साहब तैयार हैं, बाकी सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, बाजार तैयार है खुलने के लिए सेंचुरी मारकर निफ्टी पर 100 पॉइंट ऊपर।
400 अंक ऊपर खुलने की तैयारी सेंसेक्स की होती दिख रही है और 250 अंक मजबूत खुलने का इरादा रखती है बैंक निफ्टी। यह है आज की अच्छी शुरुआत के संकेत। सिर्फ तीन स्टॉक हैं जो लाल निशान में, तीन भी नहीं कहूंगा। एचडीएफसी लाइफ एकदम न्यूट्रल खुला, तो एसबीआई लाइफ और पावर ग्रिड ये दोस्तों के हल्के से लाल 25-50 पैसे। तो इफेक्टिवली निफ्टी के 50 में से 50 स्टॉक एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग हरे निशान में ही खुलना चाहते हैं या फिर खराब नहीं खुलना चाहते। और टॉप जनरल ONGC है 3% मजबूत, UPL 2.5% मजबूत है, कोल इंडिया 2.5% मजबूत है। हाँ, कोल इंडिया आने दो, 225 रुपए हो जाए तो क्या कहने, काफी लोगों को एग्जिट भी मिलेगा और काफी लोगों को एंट्री भी मिलेगी शॉर्ट साइज पे। करेक्ट। IOC 2.5% मजबूत है। IOC क्यों मजबूत है? वही सवाल बन रहा था। IOC BPCL दोनों मजबूत है। चलिए पहली टिक आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। 16,750 के आसपास पहुंचता हुआ निफ्टी, खरीदारी 135 अंकों की दिखेगी आपको। और बैंक निफ्टी 35,750-775 का जो लेवल हमने दिया एग्जैक्टली वहीं पर खुलते हुए दिख रहे हैं। तो दीप दोनों ही लेवल के आसपास खुलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी 16,750-35,775। सेंसेक्स 450 अंकों का उछाल दिखाता हुआ और बैंक निफ्टी भी तगड़ी शुरुआत करता हुआ आज के सेशन की। अब जो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल है वो है 16,790 और 16,815। इन दो लेवल पर नजर रखिए, उसके बाद 16,850-8,65 के अगले टारगेट में आगे अपडेट करूंगा। बैंक निफ्टी के लिए 16,750-75 का टारगेट, माफ कीजिएगा 35,750-775 का टारगेट आ गया। अब जो टारगेट है छोटा टारगेट 35,850 का है, लेकिन अगला 35,975 का है, वहां पर नजर रखिए। 850-975 ये दो अगले टारगेट है ताकि आपको ध्यान रहे। और सारे के सारे लेवल जो बोल रहा हूँ स्पॉट लेवल के। आइए, कोल इंडिया 6% का दमदार उछाल अब होता हुआ दिख रहा, गजब दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक है। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, टॉप गेनर कोल इंडिया ही है। उसके ठीक पीछे है हिंदुस्तान कॉपर 3% मजबूत, NMDC 3% ऊपर है। कुणाल जी कहते थे लेट मूवर है, लो कुणाल जी लेट मूवर तो फास्ट मूवर भी हो गया, तो 3% मजबूत है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3% गैप के साथ खुलता हुआ दिख रहा। तो पूरी की पूरी तेजी मेटल, माइनिंग, मिनरल्स इन सारे स्टॉक्स में बनती दिख रही है। वेदांता, JSPL, सेल, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, कोल इंडिया, यही सब चल रहे हैं जो आपके लिए तेजी वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र के 14 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म, PVR मजबूती के साथ 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। भेल यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो सारी सरकारी कंपनियां जबरदस्त एक्शन में। टाटा स्टील अपनी मजबूती और आगे बढ़ाता हुआ, 2.5% मजबूत है इस वक्त। मिड कैप शेयरों में दो मिड कैप शेयर अच्छे दिख रहे हैं, बलरामपुर चीनी और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है आज के सेशन में। थोड़े कमजोर भी बता दूं, नहीं तो आप बोलेंगे सब अच्छे वाले बोल रहे हो आप। इंडिगो 1% नीचे है और ICICI प्रू 1% नीचे, कोई खास नहीं इतना एक्शन कमजोरी की तरफ वाले स्टॉक में, मजबूती वाले शेयर ही आपको ज्यादा नजर आएंगे। मुकुंद लिमिटेड जहाँ पर 800 करोड़ की लैंड बेचने की जो खबरें आ रही, 9% ऊपर खुलता हुआ ये स्टॉक। ऑयल इंडिया किसने दिया था आज, बाय किरण जी, वाह किरण जी का तो कमाल ही है। ऑयल इंडिया 5% सीधा ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, 255-260 दोनों ही टारगेट किरण जी के खुलते ही उसके आसपास। GMDC जैसा एक और शेयर है जो मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ। दीप, आपकी नजर कहाँ है? सर, काफी सारे कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। बड़ी मूव ऑयल इंडिया ऑफकोर्स, जैसे आपने बोला धानी में देखिए, यहां पर कल बड़ा फंड एक्शन भी हुआ था। सैस्केम टेक भी खरीदारी दिखा रहा है, SHKLKAR में एक्शन है, दीपक फर्टिलाइजर ऊपर खुला है, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर खुलते हुए दिख रहा है, वीमार्ट, KEI इंडस्ट्रीज कल क्लोजिंग में भी ये स्टॉक काफी एक्टिव था, आज सुबह भी तेजी दिखा रहा है। रीओपनिंग की बात करें तो आइनॉक्स लेजर ऑफकोर्स फोकस में आता है, इस पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है। HOEC, जिंदल ड्रिलिंग जैसे स्टॉक्स भी फोकस में एक बार फिर से है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन काउंटर्स में निकल कर आते हैं। KEI इंडस्ट्रीज, इस पर अच्छी खरीदारी हो रही है। आयन एक्सचेंज मूव दिखा रहा है, वरॉक इंजीनियरिंग पर भी पॉजिटिविटी है। ऑन मोबाइल ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, चेन्नई पेट्रो 3.5% ऊपर है। MRPL पर भी रखिए नजर, स्वान एनर्जी जो 2000 करोड़ की फंड रेजिंग कर रहे हैं उसकी वजह से स्टॉक में जाना रही है। टाटा एलेक्सी मिड कैप IT की तरफ से ये भी फोकस में आते हुए दिख रहा है। गिरावट एक दो स्टॉक्स जो इस समय दिखा रहे हैं वो मैं मेंशन कर दूं, वैसे ब्रत काफी अच्छी है, बट कजारिया सिरेमिक्स, आई थिंक गैस प्राइस बढ़ने से सिरेमिक टाइल स्टॉक्स पर आप रखिएगा नजर, थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इनका आता है। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, मयूर यूनिकोटर्स, इस पर गिरावट आ रही है, साथ ही जिलेट पर हम प्रेशर देख रहे हैं, और एजिस लॉजिस्टिक्स कल की बड़ी मूव के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर है। ओके, तो ये है वो सारे स्टॉक्स जो है भरपूर एक्शन में है किरण जी, और सुबह सुबह टारगेट हिट हो चुका है ऑयल इंडिया का, फिर से जोश में आते हुए बिगुल किरण का कमाल। बताए किरण जी,
अनिल जी, ये काफी स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा। पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन है और एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिला है आईटीसी में, और आईटीसी बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि पहला छोटा सा बैरियर 220 के आसपास रहेगा, पर इवेंचुअली मुझे लगता है 224-225 के टारगेट्स भी एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे। सवेरे सवेरे 225 के कॉल ऑप्शन में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत कम बार देखने को मिलता है कि पहले 5 मिनट में 225 के स्ट्राइक पे प्राइस पे अनवाइंडिंग। तो मेरा मानना है कि 225 के बड़े टारगेट्स के लिए एक हफ्ते के लिए लॉन्ग पोजीशंस रखने हैं। जिनको आज के लिए करना है वो पहले टारगेट जो मैंने कहे 220 के आसपास के, वो टारगेट्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बना के रखें। ओके, तो आईटीसी में खरीदारी करने के लिए ये वो स्टॉक है जो आप सुबह 9:15 पर पहली पिक के पहले बिगुल के तौर पर कभी भी नहीं सुनेंगे, वहां खरीदारी करने के लिए। बहुत बड़े टारगेट दिए खुद किरण जी ने, कहा मैं नहीं कह रहा, 225 रुपए तक के बड़े टारगेट के लिए, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में। सिर्फ 7 दिनों में 7 दिनों में 7 रुपए चल जाएगा ये स्टॉक, आर यू श्योर कॉन्फिडेंट? अनिल जी, आईटीसी को मानते हुए 7 रुपए का मूव यानी बहुत बड़ा मूव है। तो मैं पूछ रहा हूं, प्राइस पैटर्न है ना बहुत स्ट्रांग है, डेरिवेटिव डेटा साथ दे रहा है, तो मुझे कोई शंका नहीं कि ये टारगेट नहीं हासिल होना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस बोलना भूल गया था, तो 216.70 रुपए का नजदीक वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूं। हे भगवान, इसे आईटीसी की तारीफ समझे या मतलब टोंट। फिर भी सर 1 रुपए पर डे किरण जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर बड़ी मूव आईटीसी के लिए, बहुत बड़ी बात है किरण जी, वाह कमाल है, क्या बात है। कुणाल जी ठीक कह रहे हैं किरण जी? अरे जी शत प्रतिशत ठीक कह रहे हैं अनिल जी, और मुझे लगता है आईटीसी के होटल में ठहर कर आए। अच्छा तो ये रिकमेंड कर रहे हैं अनिल जी? एब्सोल्युटली, 224 और 225 के टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस है, ये है आपके लिए। नहीं, स्टॉप लॉस 216.75 का है, पहला टारगेट 220 है, दूसरा टारगेट 224.25 का है। ये राय किरण जी की तरफ से आपके लिए आती है आईटीसी में। बाजार 16,750 के आसपास पहुंच के थोड़े से रुके हैं, देखते हैं आज का हाई क्या है। 16,768 का है ये निफ्टी पर, 35,800 के आसपास का है ये बैंक निफ्टी पर। हल्की सी पहली प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी, देखिए अनिल जी, कल मैंने और कुणाल जी ने एक स्पेशल पिक दी थी, आप उपस्थित नहीं थे, तो अनिल जी एक तो हाईलाइट है अनिल जी, 338 के अराउंड हमने टेस्ट किया था, 340 के अराउंड मौका मिला था अनिल जी, हिंदुस्तान जिंक रिकमेंड किया था और अच्छा। पहला टारगेट दिया था 365-366 का, वो अचीव हो चुका है अनिल जी। ये स्पेशल था हमारा जोकर इन दी पैक, बोला था अनप्रेडिक्टेबल मूव, मतलब कि वाइल्ड कार्ड पिक था और चल रहा है अनिल जी। वो मैंने देखा था, ट्वीट देखा था, आपने ट्वीट डाला था राइट, याद है? और अनिल जी ये जो जोकर इन द पैक अनिल जी, इसका भी आइडिया अनिल जी मेरे को आपसे आया था अनिल जी, अनप्रेडिक्टेबल जो मूव होते हैं, जैसे आप अभी वो जो कोयम्बटूर गए थे अनिल जी, आपने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोग आपको ऑन ईयर अनिल जी, मतलब कि लाइन लगी हुई थी, सब लोगों ने आपको ऑन ईयर पकड़ा था और तस्वीरें डाली थी। अगर आपको अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है, माइंड मत कीजिएगा, अगर आपको मालूम होता कि इतने लोग आपको पकड़ेंगे, हाँ। तो आप अनिल जी वो सीनियर सिटीजन वाली शर्ट पैंट में नहीं जाते, आप अपनी वो स्टाइलिश वाली जींस और टी शर्ट पहनी होती आपने। नहीं नहीं, पहली चीज तो कैसे जाता हो तो छोड़ दो, मैं तो डांस करता ही नहीं करता था, ज्यादा बढ़िया करता था, मुझे क्या पता सब लोग देख रहे हैं। मुझे लगा भीड़ में इतने सारे लाखों लोग है, हमें कौन देखने वाला है, पर हमारे व्यूअर्स का मान रहे हैं भाई साहब, गजब है। मतलब स्पोर्ट कर करके इधर देख रहा हूं तो इधर क्यों देख रहे हैं, उधर देख रहा है भाई, इतने सारे लोग कहीं तो देखेगा आज भी, नहीं गजब है ये। बंसल जी, हमारे दर्शकों का प्यार है कि मतलब ऐसे प्रोग्राम में भी हमें ढूंढते हैं या ढूंढ लेते हैं, ये बड़ी बात है, तो बस वही वाली बात है। तो चलिए, बाजार मजबूत तो है ही है, 16,700 को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जरूर आया ऊपरी सौ से 200 पॉइंट, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है ही, क्योंकि हम खुले भी एसजेएक्स निफ्टी के मुकाबले में थोड़े से ज्यादा है। कोल इंडिया 192 पर है। शरद जी, मुझे याद है पिछली बार आपसे जब मुलाकात हुई थी, आपने कोल इंडिया रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए, मेरे ख्याल से 158-160 रुपए के आसपास, राइट? राइट, हाँ। देखो ऐसा नहीं, मैं आपकी याद नहीं रखता, सबकी याद रखता हूं, तो बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन, सही टाइम पर थी। अब बताएं सर क्या करना है इस लेवल पर? बॉडी थोड़ी मूवमेंट फास्ट आ गई है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है मैं अपने अर्लियर टारगेट्स पे स्टिक रहूंगा। मुझे लगता है जो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह कंपनी कर रही है उसका फायदा जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे वैल्यूएशंस में भी एक कैचअप प्ले करने का है।
जहां तक ये टेम्पररी प्राइस मूवमेंट है, जितना मैंने यूक्रेन और रशिया के बारे में समझा है, मुझे नहीं लगता ये फुल ब्लोन वॉर की तरफ जा रहा है। तो ग्रेजुअली हो सकता है अगले 10-12 दिन में ये काफी हद तक रिजॉल्व हो जाए और नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए, तो उस हिसाब से ये जो प्राइसेस में एक नॉर्मल रनअप है, थोड़ा बहुत ये ऑप्शंस का बेनिफिट तो ऑब्वियसली कंपनी को मिलता रहेगा, बट कंपैरेटिवली इतना तेज प्राइस राइज की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कैचअप प्ले किया, ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए, इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे लगता है 300 तक के लक्ष्य बिल्कुल संभव है कंपनी। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर राय। आज तो जेपी मॉर्गन ने भी 238 के टारगेट दिए हैं, बट जैसे शरद जी ने कहा, जैसे जैसे ये स्थिति थोड़ी नॉर्मलाइज होगी रशिया यूक्रेन की, इतना जो प्रीमियम इन सभी कमोडिटी स्टॉक्स को मिल रहा है वो थोड़ा आपको गिरते हुए दिखेगा, बट नंदलेस कोल इंडिया में एक्शन है, ओएनजीसी में एक्शन है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तीनों ओएमसी काउंटर्स आज मूव कर रहे हैं, सरप्राइजिंग मूव यहां पर आ रही है, इस पर भी रखनी है नजर। नजर रखनी है मनप्पुरम पर भी, क्योंकि यहां पर भी अच्छी तेजी आ रही है। सुमित जी, मुथूट तो आपने आज सुबह आइडेंटिफाई किया था, मनप्पुरम पर क्या व्यू है, क्योंकि इन दोनों में मनप्पुरम काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, मुथूट में तो टारगेट अच्छे हो रहे हैं और मनप्पुरम का जहां तक सवाल है, मनप्पुरम में एक ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक का अब यहां से देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से धीरे धीरे करके तेजी दिखाने का कोशिश भी कर रहा है, मेरे को लग रहा है जल्दी मनप्पुरम में यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा, जिसमें 10% का मूव जल्दी यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 125 से 130 के इसके इमीडिएट शॉर्ट टर्म के मनप्पुरम के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे, जो कि जल्दी ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो सुमित जी, मनप्पुरम को नाना और मना नहीं करना है नहीं करना है मना जी, जिस स्टॉक को बाय करने का मन कर रहा है वो है मनप्पुरम। तो चलिए बढ़िया है, मनप्पुरम खरीदने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हमारे काफी दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप, जब एनएससी का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज खुल रहा है उसमें विदेशी कंपनियों के शेयर खरीद और बेच सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ी देर में बस आपको बताने की तैयारी में कि ये कैसे हो सकता है, थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल बने रहिए। और थोड़ी देर में जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार भी होते दिख रहे हैं, तो जैन साहब से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स जहां पर एक्शन पूरा है, एनएमडीसी कुणाल जी की पसंद का शेयर है। कुणाल जी, 160 रुपए का आपने टारगेट दिया था, अगर किसी ने खरीदा है तो अपडेट दीजिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस, टारगेट कुछ करना है? अनिल जी, अब देखिए एक बड़ा मूव आया है, अब स्टॉप लॉस अनिल जी रखना चाहिए 150 पर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें 150 पर, होल्ड करें। मुझे लगता है अनिल जी 160 रुपए के लेवल्स दिखाएगा और 160 का लेवल अगर ये स्टॉक पार कर जाता है तो इसमें एक आपको बड़ा कैचअप देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि अनिल जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 175-180 के लेवल्स दिखाएगा, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। करें अगर आपने खरीदा है, स्टॉप लॉस रखें 150 पर। ओके, तो 150 का स्टॉप लॉस रखिए और एनएमडीसी पर मूव के लिए हो जाइए तैयार, थोड़ा ऊपर से फिसला है बट वापस एक्शन में आ रहा है। कुछ कैश स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में हैं, साइंट पर रखिए नजर, मिड कैप आईटी, वैसे भी हमने देखा कल भी ओपनिंग पर मिड कैप आईटी एक्टिव था और आज भी एक्टिव दिख रहा है। पालिया साहब, साइंट का चार्ट जरा देखें, 5% की मूव ओपनिंग पर आ रही है सर। देखने को मिला आज, प्राइस ब्रेकआउट भी देखने को मिले डेली चार्ट पर, जिस तरीके से अब स्टॉक यहाँ पे 840 के लेवल को सस्टेन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये पुलबैक और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, तो एक रिवर्सल के साइन करेक्शन के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 880 तक की अपसाइड यहाँ पे नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। अगर ये 880 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो स्टॉक 920 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे 840 ये स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन अगर जिन्होंने लिए होल्ड रख सकते हैं। वो स्टॉक जो आपके लिए एक्शन में रह सकता है, सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर भी है, लगातार रिकमेंडेशन उनकी भी आती रहती है। आइए, सिमी जी है इस वक्त फोनलाइन पर कोलकाता से, बिगुल उनके लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज मार्केट में तेजी है, मेरे पास भी दोनों तेजी का ही स्टॉक है, एक तो फ्यूचर्स में है एम्फेसिस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। एम्फेसिस में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक यहाँ से 150-200 पॉइंट का मूवमेंट शो कर सकता है, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 3150 के नीचे। मैं सारे कैश का लेवल से दे रही हूँ, 3150 के नीचे स्टॉप लगा के पहला टारगेट होगा 3220, दूसरा होगा 3260, तीसरा होगा 3300, तो ये तीनों टारगेट के लिए एम्फेसिस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, फिर 3150 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ठीक होगा
रामपुर शुगर मेरा फेवरेट, कल मैंने एसपीएल मिड कैप में छोटे अवधि के लिए रेकमेंड किया था 374-75 के आसपास, कल ही के कल मैंने 395 का टारगेट इंट्राडे में अचीव होगा ये पहले बताया था, उसके बाद बताया था कि अगर ये 395 का टारगेट हासिल हो जाए तो 410 का नेक्स्ट टारगेट और उसके बाद 420 से 425 का। आज सुबह सुबह 400 का हाई लगा दिया है, यहाँ पे भी खरीदने का सलाह होगा, पहला टारगेट 420, दूसरा होगा 425, तीसरा होगा 440, आज नहीं तो कल तक ये सारे टारगेट अचीव हो जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 390 के नीचे, क्योंकि 390 कल का हाई था, कल 395 तक गया नहीं था क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया था, ये स्टॉक भी नहीं गया था, कल 390 का ही हाई बनाया था, तो 390 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह, 420, 425, 440 तीनों टारगेट के लिए धामपुर शुगर को करेक्ट कर चलिए। ओके, तो सिमी जी की तरफ से है ये दो बेहतरीन स्टॉक, एम्फेसिस अब तो फ्यूचर्स में है, यहां कर सकते खरीदारी 3260-3300 का टारगेट और लगाएं स्टॉप लॉस 3150 के आसपास, धामपुर शुगर ये खरीदे 390 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 420, 425 और 440 के तीन टारगेट के लिए। आइए जेन साहब तैयार फोन लाइन पर, इस पूरे हफ्ते रहेंगे, पूरे हफ्ते क्या, हाँ पूरे हफ्ते, आज गुरुवार है, कल और सोमवार से आई जाएंगे मेरे ख्याल से, आ रहे वापस आने तो चाहिए, जेन साहब कब से आ रहे वापस, कल ज्वाइन कर लूंगा अनिल जी बिल्कुल, आज रात को पहुंच जाऊंगा जयपुर। रिपोर्टिंग फ्रॉम वेयर, आज कहाँ से? रिपोर्टिंग फ्रॉम श्रीनगर सर। माय गॉड, अरे अनिल जी मुंबई, अरे हम तो जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कम से कम रिपोर्टिंग लाइव तो करते हैं, वीडियो तो फोन पे तो कम से कम मतलब हम भी देख, ज्यादा बर्फ दिख जाती है, ज्यादा मोटे कपड़े में दिख जाता है। चलिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी वाकई में ये तारीफ करने वाली बात है कि जैन साहब छुट्टियों में भी मतलब अपनी जिम्मेदारी करेक्ट ध्यान रखकर बिल्कुल के चलिए ठीक है, जो दर्शकों का प्यार है उनके लिए, तो इसलिए वहां से भी आपके लिए कि समय निकाल रहे हैं और आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए बिगुल जैन साहब के लिए, जैन साहब के जेम्स का आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है, इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं जैन साहब। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अनिल जी आपके काइंड वर्ड्स के लिए, और सही में इनफैक्ट मैं सुबह से रोज हॉलिडे तो कर रहा हूँ बट आपको जरूर सुनता हूँ और बहुत मजा आ रहा है, इनफैक्ट मैं और मेरी वाइफ दोनों आपको सुन रहे हैं और उनको भी बहुत मजा आ रहा है कि हाँ एक सच लाइट मोमेंट और इतना एक सीरियस टॉपिक और इतने सीरियस माहौल को हमने इतना बढ़िया कर रखा है। एंड सुबह आपने बोला कि जेम्स पैक करके लाए हो, बिल्कुल मैं जेम्स जब पैक किया था तो मैंने धामपुर शुगर को 369 पे पैक किया था और अभी 400 रुपया हो गया, और देखिए जिस तरीके से अभी सिमी जी ने भी बोल के गए हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, बट फिर भी मैं जाऊंगा धामपुर शुगर के साथ ही, और रीजन इसका यही है कि शुगर स्टॉक्स अच्छा करेंगे, जिस तरीके से क्रूड ऑयल की आज सुबह भी आप बात कर रहे थे और 70% जब बढ़ गया लास्ट इंक्रीमेंट से, तो मुझे लगता है कि इथेनॉल को सरकार जबरदस्त तरीके से पुश करेगी, और कल भी इसी थीम पे मैंने प्राज इंडस्ट्रीज दिया था और कल के खराब मार्केट्स में भी 6% करीब वो चला था, ऐसा ही लगता है कि मुझे शुगर स्टॉक्स में वापस से माहौल बनेगा, आज बलरामपुर चीनी भी परफॉर्म कर रहा है तो धामपुर शुगर पे ध्यान दे और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, हो सकता है करेक्शन में वापस से नीचे भी मिले तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, ऑलरेडी 400 रुपए के लेवल्स आ चुके हैं, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है, 10 के PE मल्टीपल में डिविडेंड यील्ड करीब 2.5% के लगभग, आप देखिए इसके प्रॉफिट की कैगर भी पिछले 5 साल की 70% के लगभग रही है तो, और प्लस क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, दिसंबर 2020 में 55 करोड़ का पैट था, उसके सामने 76 करोड़ का पैट है, इन सबको देखता हूं तो बहुत बढ़िया लगता है, और एफआईआई डीआईज ने भी अपनी शेयरिंग होल्डिंग को बढ़ाया है और प्रोमोटर्स का भी अभी एक डीमर्जर का भी प्लान चल रहा है, एंड काफी पुरानी कंपनी और बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और आराम से 450 के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने के लिए। ओके, 450 तक के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने, और जिस काम के लिए आप 6 से 9 महीने लगा रहे हैं जैन साहब, सिमी जी ज्यादा टाइम लगाया, अभी अभी आपके फोन के पहले सिमी जी फोन पर थी और उन्होंने आज दी अपनी पिक धामपुर शुगर, उनके टारगेट है 420, 425 और 440, बोले बहुत दिल्ली आ जाएंगे। बिल्कुल, वो चौका मार गई, मैं सुन रहा था उनको 9:27 पे तब मैं भी कनेक्ट हो चुका था, बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड नो ऑप्शन टू कैंसिल द स्टॉक, मैं दूसरा स्टॉक भी हालांकि प्रिपेयर कर रखा था बट मैं ठीक है इसी के साथ जाए क्योंकि शुगर स्टॉक्स बढ़िया चल रहा है। मेरे ख्याल से प्राज आपने कल प्राज ही दिया था, नहीं कल प्राज दिया,
कल्पराज्या था मुझे याद है कल्पराज्या था। और बाकी आपके वो कोठारी शुगर और कौन कौन से शुगर तो गजब की कमाल करते दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपको कोठारी प्रोडक्ट भी आज बड़ा सुबह सुबह मैंने देखा था, बड़ा मजबूती के साथ चल रहा था। कोठारी प्रोडक्ट अलग है जी, कोठारी प्रोडक्ट शुगर से अलग है। शुगर ये कोठारी पेट्रो प्रोडक्ट्स और कोठारी शुगर एक ग्रुप की कंपनी है, उन दोनों स्टॉक्स ने गजब का कमाल किया। कोठारी प्रोडक्ट्स को हम रेकमेंड नहीं करते अभी। अच्छा, कोठारी प्रोडक्ट, कोठारी शुगर, ओके या वो रिकमेंडेशन लिस्ट में, ठीक बात है। हम कोठारी पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो कल फिर लाइव दर्शन होंगे आपके? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल बेताब से इंतजार कर रहे हैं, बेताब वैली विजिट करने के बाद बेताब से इंतजार कर रहे हैं। तो समय से जयपुर पहुंच जाए और उसके बाद अपने इंटरनेट कनेक्शन का गला साफ कर ले, पिछले हफ्ते बहुत खराब था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय कीजिए जैन साहब, चलिए और मुलाकात होगी आपसे जल्द। कल दामपुर शुगर, फिलहाल जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते हैं कुणाल जी राकेश जी के लिए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स है, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल सिग्नल है। अभी रिवर्सल कैंडल को क्या बोलते हैं इस पे कुणाल जी रोशनी डालेंगे, पर टेक महिंद्रा को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी है, एक शुगर जिसकी चर्चा अभी जैन साहब कर रहे थे और दूसरा टेक्नोलॉजी आईटी जिसमें कि टेक महिंद्रा पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, आरएसआई की डाइवर्जेंस कई दिनों से चल रही है और आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो टेक महिंद्रा पर हमारी खरीदारी की राय है। 1410 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 1410 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 1465 रुपए का, 1465 का, और इवेंचुअली स्टॉक 1500 तक जाना चाहिए, तो 1495 रुपए का दूसरा टारगेट रख लें। 1465-1495 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी कराएं। ओके, टेक महिंद्रा है वो स्टॉक जहां पर करें खरीदारी। सिमी जी ने एम्फेसिस का है, आईटी शेयर में है खरीदारी का मूड माहौल, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन आप संभलते दिख रहे हैं, दिन के लो पॉइंट पर है, संभलते नहीं दिख रहे। 16675 ये लेवल है निफ्टी का इस वक्त आपके सामने, और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से अच्छा गिरा है, करीबन करीबन 350-400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है, तो खुलते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई अपने लेवल को छूने के बाद। 16750 तक की जो यात्रा कर ली उसके बाद आई, और निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी 35775 के आसपास तक की यात्रा की, उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। चलिए, ये तो है भारतीय शेयरों का हाल, लेकिन आज से अमेरिका के शेयर आप खरीद बेच सकते हैं, कैसे कहां ये जानना चाहते हैं ना। चलिए, तो आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष, क्या क्या खरीद सकते हैं, कहां खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं और आज ही से क्यों? बिल्कुल सर, आज से शुरुआत हो जाएगी। एनएससी आईएफएससी का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी गुजरात में, गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यहां पर अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। एनएससी का जो सब्सिडरी एक्सचेंज है इसमें शुरू होगी, और शुरुआत में आप देखें तो 8 स्टॉक्स हैं, लेकिन सर लिस्ट सफिशियंट रहेगी। 8 स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आधा यूएस का मार्केट कवर हो जाएगा। एक एक करके आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले देखें तो अमेजोन है, टेस्ला है, अल्फाबेट है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है और वॉलमार्ट है। ये पहले 8 स्टॉक्स है जिनके साथ आज ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे सूची जो है बढ़ती जाएगी, और अगले खेप में आप देखेंगे कि अडोब है, बर्कशायर हाथवे, मास्टर कार्ड, वीजा, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन भी जो है, इन कंपनीज भी ऐड होती हुई नजर आएंगे, और धीरे धीरे लिस्ट जो है 50 स्टॉक्स की हो जाएगी और वहां पर आप जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे, आपको ये चीज समझनी होगी कि भारत में जो है यूएस के स्टॉक्स लिस्ट नहीं हो रहे हैं, इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कि रिसीट के फॉर्मेट में है वो लिस्ट हो रहे हैं, तो आप जो है रिसीट खरीद पाएंगे ना कि उसका स्टॉक, लेकिन जो बेनिफिट है प्राइस का या कॉर्पोरेट एक्शंस का वो पूरा बेनिफिट जो है आपको इनमें भी देखने को मिलेगा। ये जो खरीद होगी, जो भाव आपको डिस्प्ले होंगे वो डॉलर में होंगे, और टिक साइज होगा 1 सेंट यानी 0.01 डॉलर का जो है वो आपको टिक साइज देखने को मिलेगा। लेकिन सर काफी सारे सवाल है, लोग पूछना चाहते हैं कि इसमें ट्रेडिंग करें तो कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, तो सर एनएससी आईएफएससी जो एक्सचेंज है इसके पास फिलहाल 36 ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर ऑलरेडी इसके साथ रजिस्टर्ड है तो वहां पर बात कर लीजिए, नहीं तो इन 36 में से किसी एक के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर आप जो है शुरुआत कर सकते हैं फंड ट्रांसफर के साथ, और आप खरीद बेच की जो है शुरुआत कर सकते हैं। अब ये समझना चाहेंगे कि टाइमिंग क्या होगा सर, क्योंकि
भारतीय टाइमिंग अलग है, यूएस के मार्केट के टाइमिंग भी अलग है, तो भारतीय समय अनुसार आपको कन्वर्ट करके आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि जैसे अमेरिकन बाजार रात 8 बजे हमारे यहां पे खुलते हैं, इसी प्रकार से 8 बजे ये सेशन शुरू होगा और दूसरी सुबह यानी 2:30 AM तक जो है दूसरा दिन आ जाएगा 8 बजे से, तो वो होगा। तो सेटलमेंट भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से देखने को मिल सकता है सर। लेकिन इस पूरी जो प्रक्रिया है कि क्यों हो रहा है ये भारत में, इसका सबसे बड़ा एज और एडवांटेज ये है कि आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव है ये ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप देखिए सर, यूएस के स्टॉक्स खरीदने एक तो डॉलर ही 75-76 का हो जाए बहुत महंगा। अभी मिसाल के तौर पर मुझे टेस्ला खरीदना है तो अगर एक टेस्ला का भाव भी चल रहा है $880 तो एक शेयर ही 66,000 रुपए का आ जाएगा, तो कैसे खरीदे सर? तो इसकी जो ये एक समस्या है ना, ये हल हो जाएगी इसमें, ये बड़ी समस्या है क्योंकि आपको जो एक नहीं खरीदना, आपको जो रिसीट है ना वो फ्रैक्शन में मिलेंगे। अच्छा, बिटकॉइन के जिससे? अब बिटकॉइन के द्वारा फ्रैक्शन में। अभी जैसे टेस्ला चल रहा है 880 का, तो आप इसका जो है 100वां अंश खरीद सकते हैं। 100वां अंश है 1 सेंट का? 100वां अंश खरीद सकते हैं। अच्छा, आप उसका जो मतलब 6,600 रुपए हो तो आप टेस्ला ले सकते हैं, 660,000 रुपए का एक शेयर हुआ अंदाज से, है ना? हाँ, 66,000 का सर 660 रुपए, 660 रुपए में हो जाएगा, 660 660 रुपए में, 660 में टेस्ला ले जाओ। ओके, तो पहली चीज तो ये कितने 35-37 ब्रोकर जो रजिस्टर्ड है उनके पास आपका अकाउंट होना चाहिए। बिल्कुल, अभी वाला अकाउंट है तो वही चल जाएगा। हाँ, अगर सेम ब्रोकर है तो चल जाएगा। आप देख लीजिए केवाईसी कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे कि नहीं, वैसे तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइमिंग अमेरिका के डाउ की जो टाइमिंग रहेगी वही टाइमिंग रहेगी, तो रात को अगर आप भी विश्वेश जी से या कुणाल जी से इंस्पायर्ड है और अगर आपका आपकी चाल ढाल हाव भाव बंसल जी की तरह है तो आप फिट नहीं है ये सब कामों के लिए। कुणाल जी और विश्वेश जी की तरह है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं ट्रेनिंग करने का, लेकर रखना तो ठीक अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अच्छा, इसके सेटलमेंट का क्या सीन है सर? सेटलमेंट की भी जो प्रक्रिया है वहां पर एक्सचेंज ने दे रखी है जानकारी कि किस प्रकार का आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक और बता दूं कि आपको भारत के साथ साथ यूएस की भी छुट्टियां वो भी मिलेंगी। कुछ सेशन जैसे होंगे भारत के जहां पर जो यूएस के मार्केट्स हैं इसमें भी आपको हॉलीडे होगी और साथ में जो यूएस के मार्केट्स हैं इसका भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के मन में सर सवाल आ रहा है फ्रैक्शन के बारे में, तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अधिकतम कितना कर सकते हैं? तो सर इसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है करीब करीब $2.5 लाख यानी एक साल का $2.5 लाख आप बाहर ले सकते हैं। हाँ, तो 1.9 करोड़ इंडियन रुपीस में $2.5 लाख सारा मिला के है। हाँ, खाली शेयर का नहीं सारा। आपको बाहर जाके घूम फिर के आना है, कुछ भी बाहर खरीदारी करनी है, मैक्सिमम $2.5 लाख आप डॉलर खर्च कर सकते हो हर साल के, जिसमें आपको शेयर खरीदना है। शेयर खरीदना नहीं, मैं तो विश्व भ्रमण करके आऊंगा, वो भी $2.5 लाख में आता है। करेक्ट, हाँ, पर पर्सन है। आप बहुत पैसे वाले हो, घर में 4 मेंबर है, 10 लाख 1 मिलियन तो ये है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ शेयर खरीदना मतलब ये है कि भाई आप एक शेयर का 100वां हिस्सा खरीद सकते हो। हाँ, शेयर का 100वां हिस्सा होगा। ठीक है, लेकिन सर एक बात बता दूं, ये मैंने उदाहरण दिया है, सबका फ्रैक्शन अलग अलग होगा भाव के हिसाब से, सबका 100वां हिस्सा नहीं है। अभी जैसे अल्फाबेट है इसका 25वां है तो अच्छा अलग अलग वो देखना अलग अलग है, वो 6 स्टॉक के फ्रैक्शन लोट साइज होगी एक तरह से। करेक्ट सर, तो हर शेयर की आपको लोट साइज देखनी पड़ेगी। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर टेस्ला बता दिया, हुआ बता दिया, मैं तो सोचा 100वां हिस्सा ले लो। नहीं नहीं सर। अच्छा अच्छा, कितने स्टॉक्स है? सारे थोड़ी लिस्ट हो रहे हैं? नहीं सर, सारे नहीं हो रहे, फिलहाल 8 है ना, 8 हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सूची बढ़कर 50 हो जाएगी। हाँ, तो 8 है अभी। जैसे आशीष ने कहा मार्केट कैप के हिसाब से आधा यूएस मार्केट है, सब कुछ है सर, जो आपको अच्छा लगता है सारा है इसमें। मार्केट कैप से तो आधा यूएस मार्केट, आधा यूएस आ गया। वाह, आधा यूएस हमारी गिफ्ट सिटी में। ओके, अच्छा जैन साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जैन साहब को जरा पूछते हैं। जैन साहब, आपने भी शुरू कर दिया क्या ये फैसिलिटी अपने क्लाइंट्स के लिए? बिल्कुल, हम लोगों ने एक्सचेंज का, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है और वी आर डूइंग इट थ्रू अभी बीएससी और दोनों एक्सचेंजेस कर रहे हैं। और ये देखिए, फ्रैक्शनल शेयर्स और यूएस के शेयर्स की काफी डिमांड आई है और ऑनलाइन ब्रोकर्स भी आए हैं जो लोग टेक्निकली इस चीज को स्टार्ट कर रखे हैं और काफी उनको रिस्पॉन्स भी मिला है। तो इसीलिए ये फ्रैक्शनल शेयर्स हो या यूएस के इन्वेस्टमेंट्स हो, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यूएस की जो बड़ी जो फैंग या जो भी सारी आईटी कंपनीज है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, तो म्यूचुअल फंड जो इंडिया के भी उनमें भी जो यूएस में जो इन्वेस्ट करते उनमें भी बहुत रिस्पॉन्स मिला, तो इसलिए शायद इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखिए, $2.5 लाख जो आपने ऑलरेडी एलआरएस में बोला कि लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो फैमिली में अगर 4 मेंबर 5 मेंबर हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट जिनको करना है बाहर,
बट फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग ज्यादा इंडियन स्टॉक्स को समझते हैं और वहां के स्टॉक्स को समझते कम है, तो रिसर्च और स्ट्रांग होनी पड़ेगी और उसी हिसाब से धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा। बट यस, बहुत पब्लिक काफी उमड़ी भी है। एक चीज बताइए कि इसके लिए कुछ वो जो नॉर्मल केवाईसी वही चलेगा, कुछ अलग से करवाना है? नहीं, इसका भी अलग से होगा, मतलब वहां के उसमें अलग से बनाना पड़ेगा, ये केवाईसी अलग से होगी बिल्कुल, जहां तक मुझे नॉलेज है बिल्कुल। अच्छा, एक और पर्सनल सवाल पूछूं आपको? हाँ हाँ बोलिए सर। ब्रोकरेज उतनी लोगे, ज्यादा लोगे? और आप बहुत ही टाइम पे सवाल पूछो, वेरी फ्रेंडली, बिकॉज वी आर ऑन हॉलीडेज और हम लोग को इसके ब्रोकरेज फिक्सेशन करनी है, वेरी फ्रेंडली, वी आर डिलेइंग इट बिकॉज हम लोग हॉलीडेज से आ जाते हैं, मेरे पार्टनर भी हॉलीडे पे है, मैं भी हॉलीडे पे हूँ, हम लोग आने के बाद इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड ब्रोकरेज को अभी भी हम लोग फिक्स नहीं किए हैं एंड वी हैव जस्ट कलेक्टेड द डेटा। मैंने मेरी टीम को बोला कि कॉम्पिटिटर्स का डेटा एक बार कलेक्ट करके रखो, फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे, बट इसमें शायद हायर ब्रोकरेज ही लेनी पड़ेगी अनिल जी, बिकॉज इसके कॉस्ट सारे आप और आपके पार्टनर जो भी आप घूम रहे फिर रहे वहां ज्यादा खर्चा न करें। कहीं से तो निकालोगे? बराबर, आशीष भी कहना चाहते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट होता है आजकल, खर्चे ज्यादा है, सरकारी खर्चे बिल्कुल, तो ब्रोकरेज क्या पूरे डील अमाउंट के बराबर कर दे। एक आशीष कुछ कहना चाहते हैं। जी आशीष सर, मिनिमम तो सर डिसाइड करेंगे कितना है, मैक्सिमम मैं बता देता हूँ कि 2.5%, 2.5% यहाँ पे वैसे ही एक्सचेंज ने बोल कर रखा है, 2.5% से ज्यादा नहीं ले सकते, 2.5% तो खैर बहुत हायर साइड होता है, वो तो खैर कोई भी तो नहीं, आज के जमाने में है नहीं, 2.5% लेने का 2.5% बेचने का कर दिया 5% बुरा हाल है, तो फिर क्या, और ऐसी वॉलेटाइल मार्केट हो गई 600 पॉइंट्स वाली। करेक्ट, ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा डेवलपमेंट जो आज, वैसे हमारे व्यूअर्स काफी एक्साइटेड हैं, एक ने तो ट्वीट भी कर दिया आशीष को कि शाम के लिए भी अब ट्रेडर्स रेडी शुरू करिए यूएस मार्केट्स। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और है, वो ये कि जरा एक बार कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, दो छोटे से सवाल है अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी एक बात ये बताइए कि क्या पिक ऑफ द डे में आप यूएस स्टॉक्स पर भी रिकमेंडेशन दे सकेंगे, और दूसरा सवाल अनिल जी ये है कि मान लीजिए ये बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो क्या अनिल जी रात को भी लगेगा शो? अनिल जी, अभी जैन साहब से ब्रोकरेज फिक्स नहीं हुई आगे की, अरे रुको भाई साहब, थोड़ा शांति रखो, जैन साहब को अपना काम तो कर लेने दो। अच्छा भाई साहब, जैन साहब जेम्स भी देंगे? सवाल आपका जायज है, जैसा जो आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं होगा, ट्रेडर्स डायरी में 10 स्टॉक बताए जाते हैं, 8 ही इधर टोटल, कहां से होगा? आशीष नहीं करना ना, हाँ इनके चक्कर में पड़ना मत, ये तो बहुत डिमांडिंग है, ये भी करो वो भी करो सब करो, आशीष की भी कोई पर्सनल लाइफ होगी, अभी नहीं है वो हमें पता है। अभी तो मेरे साथ दोनों बैठे, जरा दोनों को दिखाइए, मेरे को दिखाए कोई फायदा नहीं, जरा दीप को दिखाइए, आशीष को दिखाइए, दिखाइए जरा दोनों को, इन दोनों की अभी पर्सनल लाइफ होगी। होगी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल रिसर्च हमारे आशीष की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट सिटी पर, जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास में अगर आप चाहे तो, लेकिन उसको करने के पहले आपको बहुत कुछ सीखना समझना होगा। बिल्कुल सर, बाजार नीचे आएगा, बाजार नीचे आ गए, वही मैं हाईलाइट करने वाला था सर, इन सब बातों में हमारे बाजार पर वापस फोकस करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया और जिस तरह से बैंक्स में गिरावट हुई है हमने देखा है कि निफ्टी भी अब सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर बचा है, ऊपरी स्तरों से करीब 125 पॉइंट्स की गिरावट आपने निफ्टी में आती हुई देखी है, तो इंपैक्ट वापस हो रहा है, दोबारा गिरावट आपको एचडीएफसी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कल भी हमने देखा था ब्लॉक डील के बाद ये एक्शन में था, अब देखिए 2.5% और नीचे आ गया है। इस बीच भसीन साहब है हमारे साथ तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बताएं सर थोड़ा बाजार पर नजरिया, अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा फिर से फिसल रहे हैं इस समय, क्या भी हुआ सर?
गुड मॉर्निंग दीपांशु, तो ये सुबह का ये आधा घंटा ऐसे रहेगा बिकॉज ऑफ कोलैटरल और जो थोड़ा बहुत एफआई, बट मुझे लगता है मैं यहां तक कह सकता हूं कि वीकेंड पे सीज फायर इज इमिनेंट विच आई थिंक सो, एंड दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन मेटल्स एंड गेट इन टू द वंस विच विल बेनिफिट फ्रॉम एनीथिंग, दैट इज ऑटो, सीमेंट, बैंक्स एंड प्रॉपर्टी, जहां पे मैं बहुत बुलिश हूं। अपडेट दे दूं, गोदरेज आपके लिए नौकरी बहुत दूर से मैं 4350 4350 45 में कह रहा था, देखिए 4661 हो गई, तो दो दिन तीन दिन लगते हैं लेकिन शेयर के भाव आपको जरूर आके देंगे। इसके अलावा BEL और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैज बीन आउट परफॉर्मर, नाउ इज द टाइम टू पुट योर मनी इन कॉन्ट्रेरियन बेट्स, आई थिंक बैंक्स विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म बिकॉज ऑल दिस इन्फ्लेशन फिगर एंड ऑल मे बी जस्ट टेम्परेरी, इफ आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रूथ कमिंग बाय द वीकेंड देन आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन द कॉन्ट्रेरियन सेक्टर। आप कहें तो दो नहीं तीन पिक्स हैं। जी अनिता बताए सर जी, तो अनिल जी देखिए कल मैंने फिर बोला था, दो दिन से बोल रहा हूँ, अल्ट्राटेक लीजिए, तमिलनाडु में 20 रुपए बढ़ा चुके हैं, अब सेंट्रल इंडिया में भी भाव बढ़ेंगे, सीमेंट इज अ नो ब्रेनर अगर इस तरह की कैपेसिटी, और ये इसलिए है क्योंकि ये FIs का ओवरओन है, लेकिन 6320-25 पे आप पैसा गंवा नहीं सकते, 6215 का स्टॉप लॉस, 6750 का टारगेट, तो अल्ट्राटेक मेरा टॉप पिक है, अभी भी मैं रिइट्रेट करता हूँ। दूसरा अब आप लीजिए बजाज ऑटो, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इन टू व्हीलर, और ये फरवरी का मंथ तो शॉर्ट मंथ भी था, मुझे लगता है मार्च में बहुत स्ट्रांग बिकवाली होगी, तो टू व्हीलर इज अ कॉन्ट्रेरियन प्लेस, दिस अगर भाव आपके साथ है तो अभी आप पैसा कमाओगे ना, तो 3350 में लीजिए, 3270 का स्टॉप लॉस, लेकिन मेरे को 3500 का टारगेट इसका बहुत जल्दी दिखता है, तो बजाज ऑटो इज माई टॉप कॉन्ट्रेरियन पिक। और बता दू ऑन द सेल्स साइड दे आर सेइंग देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन मार्केट, आपको पता है वो फैक्टर भी हो जाता है। तीसरा पिक है कोफोर्स, अगेन आई थिंक आईटी विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म, और मुझे लगता है मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो कोफोर लीजिए 4550 में, 4470 का स्टॉप लॉस, 4700 का टारगेट। जो स्टॉक्स भाग रहे हैं वहां प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मेटल्स वगैरह में, और जो पड़े हुए हैं गिरे हुए हैं उनमें आपको फोकस करना है, जिनमें सीमेंट हो सकता है, ऑटो हो सकता है, आईटी शेयर हो सकते हैं, जहां पर खरीदारी करने की राय। बस इन साहब की तरफ से सुबह हम भी यही बात कर रहे थे कि ऑटो और बैंक्स जब तक ये टेंशन है तब तक कमजोर रहेंगे, जैसे ही खत्म होने के संकेत आए पहले वो भागेंगे, और जो भाग रहे हैं वो आपके लिए रुकते हुए नजर आएंगे। ये तीन बेहतरीन पिक बस इन साहब की तरफ से, धन्यवाद सर। दोपहर में आपसे फिर होगी मुलाकात 1:30 बजे भी, 2:45 बजे भी, तब आपसे करेंगे बात। आइए इस बीच बाजार थोड़ी वोलेटाइल होकर फिर से स्टेबल होने की कोशिश करें, कुछ खबरें शायद आई है छोटी मोटी इधर उधर इंटरनेशनल मीडिया में आती है, उनकी वजह से बाजार ऊपर नीचे होते हैं। अब ये थोड़ा बहुत ऐसा चलेगा, कोई एक ट्वीट कहीं कोई डाल दे, कोई एक खबर कहीं वायर पे आ जाए तो वो चलता रहता है, हालांकि उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको बेचना है उनको मौका चाहिए, जिनको खरीदना, फिर प्रॉब्लम क्या है, मशीन ट्रेड होता है ना, एक हर आदमी आपका, और एक तो ज्यादा हमने इतना बोल बोल के सबको स्टॉप लॉस लगवाना सिखा दिया है तो डाल के रहते, फिर स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होता है वो थोड़ा सा चक्कर है और कुछ नहीं। तो चलिए ये है आपके लिए थोड़ी वोलेटाइल सिचुएशन बाजार की इस वक्त बनती दिख रही, बिल्कुल 10 की कमाई की शुरुआत कर दिया, करते हैं ओके। तो आइए वक्त है 10 की कमाई की शुरुआत करने का, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स शामिल होंगे अपनी पिक्स के साथ, बग्गा साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार शामिल होने के लिए, आइए करते हैं शुरुआत। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है, इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। प्रायोजक दिव्य शावास्त्री प्रवाह, तुलसी गिलोय भाषा वन प्रसाद लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ।
स्वागत है आपका। 10 की कमाई में बाजार के हाल थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 35,300 के नीचे अब आ गया निफ्टी। 100 पॉइंट्स की गिरावट। ऊपरी स्तरों से देखें तो काफी तेज बाजार फिसल गए हैं। डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी भी अब 16,650 के लेवल्स पर आ गया। जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स में गिरावट आई है उसी का प्रभाव आप बाजार पर आते हुए देख रहे हैं। पर आज शुगर शेयर्स में अच्छी खरीदारी है। डिफेंसिव स्टॉक्स में एफएमसीजी के चुनिंदा काउंटर्स एक्शन में आ रहे हैं। मिड कैप आईटी आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स मेटल स्टॉक्स में जो तेजी बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है। ऑयल एंड गैस में भी आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट बाजार की बात करें तो एक बार कमोडिटी मार्केट का भी हाल देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4.5% ऊपर कच्चा तेल है। अब 8600 के ऊपर आपको ऑयल के प्राइसेस जाते हुए दिख रहे हैं। ओपनिंग लेवल से भी करीब करीब 150 रुपए की खरीदारी आपने एमसीएक्स पर कच्चे तेल में आती हुई देखी है। नेचुरल गैस यहां पर देखिए 3.25% की तेजी बन रही है। 370 का लेवल आते हुए गोल्ड कल की सुस्ती के बाद आज फिर से एक्शन में आ रहा है। 0.5% ऊपर। सिल्वर पर भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं। 0.5% की तेजी। 67,200 के पार सिल्वर जा रहा है। बेस मेटल्स एल्यूमिनियम निकल यहां पर रिकॉर्ड हाई पर प्राइसेस है। कॉपर के दाम भी आपको बड़े स्तर का उछाल दिखा रहे हैं। जिंक लेड पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। तो अक्रॉस कमोडिटीज आज बड़ी खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है। क्या करना है इस कमोडिटी की तेजी में, आईएफएल सिक्योरिटीज की राय ले लेते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चले। 51,300 के लेवल पर स्टॉप लॉस 5,900 का रहेगा। 50,900 और टारगेट रहेगा 52,200 का। सिल्वर मे कॉन्ट्रैक्ट खरीदे 68,000 पर, स्टॉप लॉस 67,000 और टारगेट 69,500 का रहेगा। कच्चा तेल खरीदिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट 8,400 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 8,200, टारगेट 8,700 का रहेगा। और साथ ही नजर रखिए एमसीएक्स कॉपर पर भी, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 798 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 788 और टारगेट 814। तो गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर चारों में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस समय आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से। दो स्पेशल शोज हमने करे हैं आपके लिए तैयार। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर, जिस तरह से आठवां दिन है आज कच्चे तेल की बड़ी तेजी का थमने का नाम नहीं ले लिया। 10 साल की ऊंचाई पर आपको तेल के दाम आते हुए दिख रहे हैं। क्या करना है इन लेवल्स पर और कितने ऊपर जा सकते हैं दाम, जो ओपेक कल की बैठक के फैसले कल आए हैं उसका क्या इंपैक्ट होगा, रूस का जो सप्लाई है क्या वो और लिमिटेड होते हुए दिखेगा मार्केट में, इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। साथ ही 11:40 पर कच्चा तेल ही नहीं बट बाकी जो तेल है वहां पर भी आपको बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। पाम ऑयल के दाम देखिए रिकॉर्ड स्तरों पर है। एफएमसीजी कंपनियों के लिए, हमारे खुद के घरों के लिए, किचन्स के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव मूव आ सकती है जिस तरह से यहां पर दाम जा रहे हैं। तो इसका क्या मायने रखना है, बाकी एग्री कमोडिटीज, बाकी जो एग्री रिलेटेड ऑयल्स कंजम्पशन ऑयल होते हैं उसमें जो मूव आ रही है उसका आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जो सिर्फ कच्चे तेल पर ही नहीं, वहां पर तो हमारा बड़ा फोकस रहेगा बट साथ ही खाने के तेल और बाकी एग्री रिलेटेड ऑयल्स पर भी क्या इंपैक्ट होगा यहां पर करेंगे बात। तो ये है दो स्पेशल शोज जो हमने करे हैं तैयार कमोडिटी बाजार की बड़ी तेजी को देखते हुए। इस बीच वापस बाजार की तरफ आए तो थोड़ा निफ्टी बैंक नीचे से रिकवर हुआ। 100 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक और इससे निफ्टी भी हल्का मूव कर रहा है। तो वॉलिटिलिटी आ रही है बाजार में, थोड़ा ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद अब बाजार इन लेवल्स पर संभलते हुए दिख रहे हैं। आइए जय ठक्कर है तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन बिगुल, मॉर्निंग जय, बताएं क्या है इस समय का व्यू। मॉर्निंग टू यू दीप, मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीप, कल क्लोजिंग में हमने 16,750 का कॉल दिया था एंड उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो गए आज मॉर्निंग में। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा मूव 16,768 तक हमें स्पॉट में देखने मिला, उसके सारे टारगेट्स आए एंड आई होप दैट यू नो सभी को मुनाफा वहां पे हुआ रहेगा। दीप, मैंने कल के क्लोजिंग सेशन में यही कहा था कि यू नो 16 पहले तो हमने हमारा रेंज था 16,300-16,800 का रेंज था। क्लोजिंग में जैसे वो 16,600 के ऊपर चला एंड यू नो वंस इट अप्रोच दैट लेवल्स एंड क्लोज अबाउट दोस लेवल्स, ये स्टांस था कि 16,500 बेस बन चुका है, नहीं कि 16,300 इन द वेरी नियर टर्म। वही व्यू ध्यान में रखते हुए 16,800 का कॉल करेंगे 10th मार्च का। 207 से 208 तक मिलता है, 207 पर आप समझिए 207 पर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दीपांशु नीचे की तरफ रखना पड़ेगा 158 पर। सो 207 पर खरीदे, 158 पर स्टॉप लॉस रहेगा। 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 10th मार्च की एक्सपायरी का। टारगेट ऊपर में जो दीपांशु यहाँ पे बन रहा है वो है 267 एंड दूसरा टारगेट जो है वो है 282।
सो 267-282 दूसरा टारगेट थोड़ा छोटा है बिकॉज दीपांश ऊपर की रेंज है ना जो वो सीमित है 16,750-800-850 तो यहाँ पे क्लस्टर है थोड़ा बहुत वो निकालना जरूरी होगा बट अगर ब्रॉडली अगर आप देखो तो अब रेंज बन चुकी है 16,500 and 16,800 ये 300 पॉइंट की रेंज पर बन चुकी है मिडल ऑफ द रेंज में है करीब फिर से बट देन आई थिंक दैट सिंस वो 16,500 को जब तक डिफेंड कर रहे हैं वी कैन एक्सपेक्ट कि ऊपर की रेंज को टेस्ट करें ऑन द फ्लिप साइड मैं ये भी कहना चाहूंगा दीप कि अगर 16,500 ब्रेक करता है देन वन शुड एग्जिट एज ऑफ नाउ तो लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेके चल सकता है ये है आपके निराज जय की तरफ से दीप एक सवाल जो जय ने टारगेट दिया उसके ऊपर है हाँ सर मुश्किल हिंदी में ज्यादा मुश्किल क्या है बोलना 267 या 282 67 तो जय ने ऐसा क्यों बोला 267 और 282 अरे जय 282 तो बहुत इजी है 267 हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहिए नहीं अनिल जी मैं थोड़ा वहां पे आप सही बोल रहे मैं कंफ्यूज हो गया कि 267 सही बोला कि नहीं बोला तो 82 बोल देता हूँ एक तो सही निकला वो ये पता था ये मुझे भी प्रॉब्लम होती है और दूसरा क्या है कि पहला वाला तो याद रखे 267 बोलना है 267 बोला जब तक दूसरा वो बोले दूसरा सामने आ गया बोला इसको इंग्लिश में ही बोल दो मेरे साथ भी होता है तो कभी कभी क्या होता है आदमी ना एग्जाम के पहले ना बहुत मुश्किल मुश्किल जो सवाल आ सकते हैं जो प्रश्न होता है उसकी बहुत बढ़िया तैयारी करता है फिर इजी वाले आ जाता है तो रह जाता है जय के साथ ऐसे एग्जैक्टली बंसल जी आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी अनिल जी रोज ही होता है रोज कौन सा एग्जाम देते हो आप भाई रोज होता है मतलब रोज कौन सा एग्जाम होता है देखिए अनिल जी एग्जाम क्या होता है जैसे अभी आप ऑन एयर अनिल जी कितनी बार वो लेते हो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने और कुणाल जी ने देश को संभाला हुआ है फिर कई बार अनिल जी आप बोल देते हो क्या कहते हैं कि जहां से बंसल जी खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है हाँ। तो अनिल जी दिल पे अनिल जी छुरियां शुरू निकल जाती है अनिल जी और सबसे बड़ा एग्जाम होता है क्योंकि अनिल जी जो शादीशुदा आदमी होता है हाँ। वो रात को करवट तो अपने हिसाब से ले नहीं सकता तो देश को और अनिल जी ये सब जो आप कह रहे हो कि लाइन चलाएगा अनिल जी तो ये एग्जाम ऑन एयर ऑफ एयर बंसल जी माफी चाहता हूँ आपकी दुखती रंग पर हाथ रख गया हमारे इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था लेकिन जो भी आपने किया कहा उसमें हमें आनंद बहुत आया इससे हम इनकार नहीं कर सकते भले हम ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ में लेकिन मजा तो हमें बहुत आया थी आइए चलिए बढ़ते आगे और आप हमारे साथ तैयार है बग्गा साहब स्वागत है आपका सर बहुत कुछ पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से हम आपको मिस कर रहे थे आपको भी महाशिवरात्रि की बिलेटेड शुभकामनाएं सर और आप काफी 2 दिन से पूजा में और एक बात बताऊं बग्गा साहब के बारे में मतलब इतना अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बारे में पढ़ते हैं बोलते हैं इतना ज्ञान रखते हैं लेकिन वो कहते हैं धर्म और कर्म दोनों में गजब का संतुलन बनाकर जहां लगता है कि ये समय धर्म को और अपने इनर सेल्फ के लिए करने का है वहां पर भी वो पूरा समय निकालते तो हमको सीखना चाहिए कि किस तरह से हम समय समय पर हर चीज के लिए सही वक्त पर सही समय निकालते तो सर स्वागत है बताएं सर ये जो कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन वाला मामला क्या इसका अपडेट क्या समझा जाए किस तरफ बढ़ रहा है ये अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है अनिल जी लग रहा है अगले 7 से 15 दिन में क्लोज हो जाएगा मैंने 15 दिन पहले कहा था कि 15 दिन में हो जाएगा आपने कहा बहुत टाइम है बट हम सब थोड़े ब्लाइंडसाइडेड हुए जिस तरह से रशिया ने बहुत एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर किया है देखिए रशियन बॉन्ड सारे जंक उसमें आ गए बड़े बड़े दिग्गज रशियन कंपनी पेनी स्टॉक्स बन गए जब सबसे बड़ा बैंक सबर बैंक जो है वो एक पाउंड से भी नीचे की उसकी वैल्यू रह गई तो बहुत जबरदस्त रशिया को क्षति हुई है फाइनेंशियल तौर पे और बहुत सीखे हैं इससे वो जब अपना महीने का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें लेके आऊंगा भारत के लिए भी सीख है क्योंकि 400 बिलियन डॉलर थोड़ी देर में हम फिर से बग्गा साहब से संपर्क करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा उस वक्त कनेक्शन लूज हुआ है आइए तब तक 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं कुणाल जी राकेश जी से पूछ ले उनकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर बनाए सर अरे जी देखिए 10 की कमाई में खरीदारी की राय है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड पर जिस पर अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है यह स्टॉक एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहा है काफी समय से
पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अब हमें लगता है कंसोलिडेशन पूरा हो गया है और इस स्टॉक में मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर निवेश किया जाए तो बाजार से बेहतर रिटर्न डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहां पर और गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्युमुलेट करें। ओवर टू राकेश। अनिल जी, जैसा कुणाल जी ने बोला यहां पर गिरावट पे धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करें और यहां पर हमारे टारगेट्स हैं 1400 के। और खास बात क्या है, ऐसा लगता है हमको कि ये टारगेट्स 4 से 6 महीने में देखने को मिलेंगे, तो 4 to 6 मंथ का नजरिया बना के इसको एक्युमुलेट करने की राय है 1400 के टारगेट के लिए। 1400 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। यह है आपके लिए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से उनकी 10 की कमाई के पिक का। किरण जी आप भी बताएं सर आपकी 10 की कमाई का आइडिया। दीप, मेरे 10 की कमाई का आइडिया है फ्रंटलाइन बैंकिंग काउंटर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका है। करंट लेवल से 710 का करंट मार्केट प्राइस है, 710 से 695 भी आपका एक्युमुलेशन जोन रहेगा। 680 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 2 महीने का व्यू रखना चाहिए। वापस एक बार आपको 820-840 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए जहां पे हमें रिव्यू लेना है। आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक फ्रंटलाइन काउंटर के साथ किरण जी जा रहे हैं और आज तो 1000 तक के टारगेट्स ब्रोकरेज की तरफ से इस पर आए थे। फिलहाल किरण जी 820 और 840 के टारगेट्स के लिए आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं इस पर खरीदारी की। रुपया भी इस पर नजर रखिए, 5 पैसे कमजोर खुला है तो कल की भारी गिरावट के बाद रुपए पर आज भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। भारतीय दामों के लिए अच्छी बात नहीं है। कच्चे तेल पर लगातार अगर आप उछाल देख रहे हैं और फिर जो रुपए पर उसका इम्पैक्ट आएगा वो काफी परेशानी वाला हो सकता है, तो नजर रखिए इसका भी इम्पैक्ट आपको बाजार पर आते हुए दिख रहा है। इस बीच एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मूव आपको अभी अभी आती हुई दिखी है, इस पर जरा करिए फोकस। फर्स्ट सोर्स पर मूव आ रही है। मिड कैप आईटी अब थोड़ी लीडरशिप संभालने की कोशिश कर रहा है। सुबह एक्टिव खुला था फिर फिसला फर्स्ट सोर्स, अब वापस तेजी में आ रहा है। सुमित जी जरा चार्ट देखें, फर्स्ट सोर्स का डेज हाई पर है, 130 के लेवल पर आया जो रिसेंट करेक्शन है, उसके बाद क्या अब वापस ठीक ठाक लेवल पर दिख रहा है? FSL के अंदर पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी काउंटर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 125-126 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 135 का पहला टारगेट बनेगा और ये लेवल अच्छी होने के बाद 140 रुपए तक के लेवल FSL के अंदर जल्दी ही ऊपर में देखने को मिलेंगे, तो 135-140 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बग्गा साहब से हमारा कनेक्शन चुस्त दुरुस्त हो चुका है। सर आप बात कर रहे थे, बात बीच में कट गई कि 7 से 15 दिन का मामला और है, बताएं सर आगे। हाँ तो अनिल जी जल्दी से बोल देता हूँ क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है ये मेरा सिग्नल। अच्छा। तो ये एंड पॉइंट यही है कि 2 हिस्सों में यूक्रेन बांट दिया जाएगा। जो पुराने उनके रशिया के पपेट उनके प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, उनको आज फिर से एक्टिवेट किया गया है। मुझे लगता है कि वो उनको डिक्लेयर कर देंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये हैं, तो 2 सरकारें बन जाएंगी। कीव पे जो कब्जा करना था वो कर नहीं पाए, बहुत घमासान फाइट बैक हो रहा है यूक्रेनियन से, तो थोड़ा रशियंस पोस्टपोन हो गए, बट अगले 7 से 15 दिन में ये क्लैरिटी आ जाएगी अनिल जी, 2 हिस्सों में हो जाएगा और उसके बाद जो रैली आनी है वो बहुत तगड़ी रहेगी। क्योंकि जो रिस्क था कि ये नेटो में नेटो और रशिया में जंग हो सकती है, बड़ी जंग हो सकती है, आगे पुतिन क्या करेंगे, वो रिस्क बहुत कम हो गए हैं क्योंकि रशियन मिलिट्री इतनी सक्षमता से आगे नहीं बढ़ पाई जितना वो सोच रहे थे। और अब ये टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है, उस पर कभी बात करेंगे, जो सीखें भारत के लिए निकल के आई फाइनेंशियल के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए और मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए, ये बहुत जबरदस्त सीखे हैं। पूरा विश्व देख रहा है, इसको स्टडी कर रहा है और अंत में देखें तो अमेरिका और यूरोप ने बहुत कुछ हासिल कर लिया बिना अपना एक भी जान गवाए। रशियन से रशियन ही लड़ रहा है क्योंकि यूक्रेनियन है तो मूलभूत रशियन, तो रशिया की पावर कम हुई। चाइना एम्बेरस होके बैठा है कि मेरा ऐसा एलाई है, चाइना भी इतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। ताइवान की तरफ यूएस की अब और कड़ी नजर आ गई है, तो काफी हद तक मैं कहूंगा कि यूएस और नेटो को इसमें से काफी एडवांटेजेस मिले। रशिया का लॉस ही हुआ है बिकॉज ये ऐसी वॉर में गए जहां पे एंड पॉइंट क्लियर नहीं था इनका,
तो ये निकलेगा वही जो मैं कहता आया हूं कि फिनलैंड बन जाए यूक्रेन, के हम न्यूट्रल रहेंगे, कहने को न्यूट्रल रहेंगे। अब यही है कि रशिया का ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा इनके ऊपर, नेटो में आने का तो सवाल नहीं है। ईयू में जो इनको एंट्री मिलने की कोशिश चल रही है, वो नई सरकार जब आएगी वो कहेगी हमें ईयू में नहीं रहना है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो रशिया का सैटेलाइट बन के रहेगा, और इसमें जब रिवर्सल आएगा अनिल जी, कमोडिटीज का थोड़ा करेक्शन आएगा, तेल हो या और चीजें जो भागी हैं, और जैसे आपने भी सवेरे कहा जो सेक्टर्स पिछड़े गए उन पे पैसा आएगा, और जिस तरह से रुपी गिरा है और आरबीआई की कल इंटरवेंशन आई है, अब रुपी अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसके चलते क्या देखते हैं कि नॉर्मली एफआई फ्लोज रिवर्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 15 दिन के करीब मुझे दिख रहा है कि कुछ इसमें एक सोल्यूशन आए, और वो एक लेवल आएगा उस टाइम पे के एकदम से बढ़ जाए। बट क्या खरीदना है अभी? अभी भी मैं अपनी उसी राय पे कायम हूं जो 15 दिन से मैंने दी है, कि ये अभी भी साइडलाइंस का मार्केट है, क्योंकि वो रिस्क कम हुआ है कि ये एकदम से कुछ गलत कर देंगे पुटिन, वो रिस्क बहुत कम हो गया है, बट रिस्क है क्योंकि न्यूक्लियर है। तो उस माहौल में एकदम से आपका काफी हानि हो सकती है, तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स का ही टाइम है। बाकी आपके जो बहुत दिग्गज बैठे हुए हैं, जो दे रहे हैं डेली ट्रेडिंग, वो कर सकते हैं, उतना रिस्क कम हो गया है, और ये मार्केट अब पलटवार करने को उत्सुक है। एक इसमें एक ट्रिगर कुछ आएगा जो मुझे लगता है एंड पॉइंट यही होगा कि वो यानुकोविच को इंस्टॉल कर देंगे, और दो सरकारें होंगी यूक्रेन की, एक वेस्ट बैक्ड और एक रशियन बैक्ड, और उसके चलते एक रिलीफ रैली मार्केट में आएगी। आखिरी बात यह है, पावल ने कल यूएस पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया, 25 बेसिस पॉइंट मार्च का हाइक है, तो अगले हफ्ते 16 मार्च को, दो हफ्ते सॉरी, हम रहेंगे आपके साथ और बताएंगे आपको, बट 25 बेसिस पॉइंट है। जो लोग डरा रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा या 50 बेसिस पॉइंट, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट को वो नहीं बोलेंगे और कुछ और कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी, मंडे को यूएस की, 10 तारीख को यूएस की इन्फ्लेशन भी आनी है, और फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट है, उसके चलते थोड़ा मार्केट पे असर रहेगा, बट मार्केट ज्यादा फेड की तरफ देखेगा। यूक्रेन की खबर ज्यादा पचा ली गई है, जो आउटलायर है 1-2% के पुटिन कुछ मिसएडवेंचर ना कर दे, वही मार्केट को होल्ड बैक कर रहा है। जैसे ही वो कम होता है, आज जैसे बातचीत है, अगर कुछ भी करार होना शुरू हो गया, देश दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा यूक्रेन, एकदम से आप देखेंगे मार्केट टर्न अराउंड करेगा। ठीक बात जी अनिल जी, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण इस वक्त। लेकिन एक चीज और है जो बेहद इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बगा साहब मुझे आपसे राय लेनी है, वो है क्रूड, कच्चा तेल। मतलब ये तो है ना, वो टेंशन ही नहीं, मतलब क्या कहना चाहिए, वो डिप्रेशन वाले लेवल की तरफ पहुंचा है। मतलब टेंशन तो छोटा शब्द है, $115 के ऊपर निकल कर टिक भी गया। सर क्या क्या समझा जाए इसे, क्या ये भी नीचे आएगा कि अब हमें मतलब वो बहुत हाई लेवल वाले कच्चे तेल के दामों के साथ ही जीना पड़ेगा? नहीं अनिल जी, यहां से नीचे आएगा, बट वो 90-95 का लेवल तो आ गया है, क्योंकि डिमांड सप्लाई की तरफ से इश्यू था, और रशिया के जो 10 मिलियन बैरल रोज के हैं वो आ नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे भारतीय एक्सपोर्टर्स को $400 मिलियन आने हैं रशिया से, वो समझ नहीं पा रहे। तो जैसे इराक का जब इन्वेजन हुआ था, या ईरान के साथ जब सैंक्शंस लगे थे, हमारे कई कंपनियों के पैसे अटक गए थे, वैसे ही रशिया को हमें पेमेंट करनी है डिफेंस, जो हर महीने कुछ ना कुछ उपकरण हम खरीदते रहते हैं, तेल खरीदते हैं रशिया से, उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही। एसबीआई ने कहा कि हम प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि एसबीआई नहीं चाहते कि उन पे कोई सैंक्शंस लगे। तो उसका विकल्प निकल आएगा अगले 10-15 दिन में निकल आएगा। क्रूड बहुत हाईली ओवर बिड हो गया है, इसमें यह स्पेक्युलेटर्स लेके भाग गए हैं। जैसे मैं कई महीनों से कह रहा हूं, लोगों ने $100 के क्रूड की ऑप्शंस खरीदी थी पिछले साल से, 9 सेंट 10 सेंट पे, वो अब कई डॉलर्स में पहुंच गई है, तो बहुत पैसा बना है ट्रेडर्स का। ये सब जियोपॉलिटिकल और स्पेक्युलेटिव प्रीमियम चल रहा है, ये डिमांड सप्लाई के तौर पे नहीं है। डिमांड सप्लाई आप 90 पे आ जाते हैं,
तो ये स्पेक्युलेटिव प्रीमियम अभी है। अगर कल को आ जाता है कि रशिया अभी भी वैसे चल रहा है रशिया के साथ, उनका पाइपलाइन में तो आ रहा है गैस और तेल, बट यह पेमेंट कैसे करें वो नहीं समझ आ रहा लोगों को, तो ये रशिया के भी हित में होगा कि वो बेच पाए अपना 10 मिलियन बैरल, उनकी इकोनॉमी चलती कमोडिटीज से है। तो सूनर और लेटर ये आएगा अनिल जी, ये हाई हो गया है तेल का, हो सकता है 120 जाए, हमारा 110 का लक्ष्य था इस माहौल में, उससे तो ये काफी आगे बढ़ गया, बट ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आ जाता है। इतना बड़ा अगर भयंकर बढ़ेगा तेल तो लोगों की खपत ही रुक जाएगी, कंजम्पशन रुक जाएगी और अपने आप डिमांड नीचे आ जाती है। ठीक, वो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा आउटलुक बग्गा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों खास मेहमान हमारे साथ है तैयार। हमारे साथ हेमंग जानी साहब और रजत बोस सर हैं तैयार इस वक्त। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। हेमंग सर करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सो गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा लॉन्ग टर्म पिक मिड कैप टेक्नोलॉजी स्पेस से है, जेंसर टेक्नोलॉजी। और हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वो लगभग टॉप से 15% घटा है और जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वो तो और भी ज्यादा घटी है। तो जेंसर एक हमारे कवरेज में कंपनी है जो टॉप से लगभग 42% गिर चुकी है और उसमें हमारी जो रिसेंटली मैनेजमेंट से बात हुई उसमें ये हमें मिला है इंडिकेशन कि जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 13-17% के रेंज में रहेंगे 3-4 quarters के अंदर। और नया एक सेल्स का स्ट्रेटजी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और उसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकता है। वी आर लुकिंग एट 22% ग्रोथ इन द यूएस डॉलर 23 के अंदर। तो ये माहौल में जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतना बड़ा करेक्शन देखा है उसमें कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और सबसे कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो ये एक अच्छी मिड कैप आईटी पिक हो सकती है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 580 रुपीस। ओके, 580 रुपए के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। जेंसर टेक्नोलॉजी ये है स्टॉक जो पसंद है इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिहाज से हेमंग सर को। आइए रजत सर से भी पूछ लें उनकी भी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग, मेरा लॉन्ग टर्म के लिए जो पिक है वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। फिलिप्स कार्बन ब्लैक अभी उसका कोड पीसीबीएल हो गया है, तो अगर एक्सचेंज में देखेंगे तो पीसीबीएल देखना चाहिए। पीसीबीएल कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने के लिए सोच रहा है। फिलहाल एक अच्छी करेक्शन देखने के बाद जिसमें कि ये 180 के भी नीचे गया था, अभी ये पुलबैक पे है। हो सकता है कि जो पहला पुलबैक आएगा वो 220 से 225 तक आएगा, बट मुझको लगता है कि एक सेफ टारगेट एक साल के लिए 250 से 255 की अरब रहेगा और आपका जो स्टॉप लॉस इस पे रखना चाहिए वो 174 का रखिए क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, क्योंकि उसके नीचे जाने से फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और पीसीबीएल हम ये बात खुलासा कर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा निवेश है, मैंने काफी कम नीचे से इसको निवेश करके रखा है और अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ इसके ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, पहले लंबा नाम होता था तो इसको छोटा कर दिया अब, तो 250-255 के टारगेट के लिए यहां करनी है खरीदारी। छोटा सा ब्रेक, ये वाला ब्रेक छोटा ही है, छोटा सा है, जल्दी आ। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 10 की कमाई में और राजेश पालिया साहब है हमारे साथ तैयार। राजेश जी बताएं सर आपकी 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में देखे तो पिछले दिनों में करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से वापस एक बेस बना 240 के आसपास और अब डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग को यहाँ पे बाय करना चाहिए, 268 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 252 रुपए का और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में टारगेट आना चाहिए करीब 300 से 320 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाय करने की सलाह रहेगी।
ओके, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए आई, शुगर से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स अब जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है, हेमांग सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी मेरी जो पोजिशनल पिक है वो ऑयल इंडिया है, और जैसा हम बात कर रहे हैं कि क्रूड के जो दाम है वो लगभग $117 तक पहुंच गए हैं, और वो हालात में डेफिनेटली एक एक्सपोजर कमोडिटीज या क्रूड जैसी कंपनी में होना ही चाहिए। और जिस तरह की बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है यूएस के अंदर, ओईसीडी के अंदर, जिस तरह से लिक्विड इन्वेंटरी और कमर्शियल ऑयल जो घटा है उसमें जो रैंप अप करने में जो है वो टाइम लग सकता है, तो ऐसे माहौल में चांसेस ये ज्यादा है कि क्रूड के दाम थोड़े हायर लेवल पे ही रहे। और ये कंपनी जो है ऑयल इंडिया, उसका प्रोडक्शन काफी अच्छी मात्रा में बढ़ रहा है, 3.6 MMT ये साल में होगा, 4 MMT नेक्स्ट ईयर में होगा, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस स्टॉक है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, बट करंट हालात में डेफिनेटली एक अच्छा पोजिशनल पिक ये हो सकता है। इसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 305 का है, ₹305 तक के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया में करें खरीदारी। रजत सर आपकी पोजिशनल पिक। सर सर मेरी पोजिशनल पिक है जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनर, इसीलिए इसका कोड जो है JCHAC बोल के दिया जाता है। ये मेरा पोजिशनल पिक है क्योंकि ये कुछ दिनों पहले 1766 का लो से अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का चेष्टा कर रहा है, उसको पार करने का चेष्टा कर रहा है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार कर जाएगा। इसमें मेरा टारगेट जो है वो 2050 का है, और मैं स्टॉप लॉस, जबकि ये 1666 का लो से चालू किया है, लेकिन मैं 1750 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख रहा हूँ क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, और 2050 या उसके आसपास जाते ही प्रॉफिट बुक करने का सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मुझको उम्मीद नहीं है कि ये एक बार में 2050 को पार करके सस्टेन कर पाएगा। तो JCHAC लॉन्ग कीजिए, 2050 का टारगेट, 1749 का स्टॉप लॉस। ओह आज सब मुश्किल नाम वाली कंपनियां लाए रजिस्टर, PCBL, उसके बाद जॉनसन कंट्रोल हिताची, ये वो दूसरा स्टॉक जहां 2050 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अभी भी जो थोड़ी बहुत गिरावट आई थी बाजार में, तो निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी अब 200 पर नीचे भी है, मगर सर दो चीजें बोल रहे हैं, एक तो शायद वो ताइवान के आसपास कोई एक चाइना का वॉरशिप दिखा है, वो तो ठीक है हर हफ्ते दिखता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन दूसरी चीज ये कि कई ये रिपोर्ट्स भी आ रही कि शायद हम तटस्थ हैं, रूस के विरोध में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अमेरिका हम पर भी सैंक्शन लगाने की सोचे, इस तरह की भी खबरें आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप सर? नहीं वो उसमें कोई जस्टिस नहीं है हमारे पे, किस बात की वो लगाएंगे सैंक्शन या रोक, हमने तो जो हम न्यूट्रल हमारा रहता है स्टैंड, वही स्टैंड रखा है कि बातचीत से मसला सुलझना चाहिए, तो ये ज्यादा र्यूमर्स ही है अनिल जी, इसमें कुछ नहीं है। और अगर अमेरिका ऐसे करता है, सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी के ऊपर अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं, तो बिल्कुल ये वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो जाता है। और यही मैं बात कहना चाहता था कि आज टाइम नहीं था, बट हमें सोचना चाहिए कि $400 बिलियन हमने दिया हुआ है कर्ज अमेरिका को, उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के जो ये एफएक्स रिजर्व्स हमने बनाए हुए हैं, हमें इसको ज्यादा सोने में तब्दील करने के लिए या स्विस फ्रैंक जैसी करेंसी या जापानीज येन ज्यादा खरीदने का सोचना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट हम कहते रहे कि देखो पुतिन के पास $640 बिलियन है, उसमें इतना नहीं था उनके पास ये डॉलर का एक्सपोजर नहीं था, फिर भी उन्होंने रशियन सेंट्रल बैंक को कट ऑफ कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। सेंट्रल बैंक्स पे आप सैंक्शंस नहीं लगा सकते इस तरह के कि वो फंक्शन ही ना कर पाए, और बैंक रन हो रहा था रशिया पे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा UPI है, हमारा भीम है, हमारा रूपे है, वीजा मास्टर कार्ड ने एकदम से रशियन कार्ड बंद कर दिए कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गूगल पे अमेजोन पे ने बंद कर दिया, तो इस तरह से आप इकोनॉमी को बिठा सकते हैं किसी भी कंट्री की, और इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर रहे। और एफएक्स में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इतना सारा पैसा अमेरिका को देना चाहिए, 400 बिलियन से ज्यादा हमारा अमेरिका के पास पड़ा हुआ है,
हमारे एफएक्स रिजर्व्स का, क्या इतना सारा पैसा हमें एक देश में रखना है? अगर ये कुछ बात भी निकली तो ये बहुत एक चीज ऐसी रहेगी जो बिल्कुल अनजस्ट है। इसकी संभावना 0% है अनिल जी, ये सब र्यूमर्स है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भारत के ऊपर आप सैंक्शंस लगा सकते हैं। सबसे बड़े तो फिर आप चीन पे लगाइए, चीन जिसने साथ में एब्सटेन किया है, बांग्लादेश ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने किया, श्रीलंका ने किया, तो जो भी लोग हैं जो मध्यस्थ हैं रशिया और अमेरिका के बीच में, किसी भी तरफ नहीं जाना चाहते, इतने सारे वैसे देश हैं, और सबसे बड़ा आप फिर जस्टिफाई करिए चाइना को, तो ये कुछ नहीं होगा। ये मार्केट को इस तरह से हिलाने की कोशिश हो रही है, कुछ भी छोड़ा जाता है वो रशिया को ही नहीं कर पाए ठीक तरह से सैंक्शन। भारत तो डेमोक्रेसी है और न्यूट्रल है। रही बात ताइवान की, वो रिस्क ऑन है बड़ा, और यही दिखा है कि अमेरिका और यूरोप बात ही करते हैं बट साथ नहीं खड़े रहते, तो ताइवान के पास सक्षमता नहीं है। अगर चाइना चाहता है 500 उसके विमान दिन के उनकी एयर स्पेस को छू के आ जाते हैं, तो एक छोटा सा आइलैंड है, बट उसमें जो स्ट्रेटेजिक इश्यू है वो सेमीकंडक्टर्स की है। 25% दुनिया की सेमीकंडक्टर प्रोडक्टिव कैपेसिटी निकल जाती है, तो वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर हो सकता है ताइवान का, तो उसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ज्यादा है। और अमेरिका क्या करेगा वो देखना पड़ेगा अगर चाइना ने ऐसा किया, बट मुझे नहीं लगता कि जी जब तक नवंबर में अपनी पकड़ पूरी नहीं कर लेते उससे पहले कुछ होगा। 2030 की संभावना है, जो विशेषज्ञ कहते हैं कि 2030 तक चाइना इतना सक्षम हो जाएगा इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली कि वो ताइवान की तरफ देख सकता है। अभी मेरे ख्याल से मुश्किल है, बट यू नो इसमें क्या पता कोई भी डिक्टेटर क्या सोचता है, हम कहां कह सकते हैं। जैसे रशिया ने बिहेव किया है, किसने सोचा था कि इतना ये कर सकते हैं, इतनी तबाही मचा सकते हैं। जी अनिल जी बिल्कुल, बट सर थोड़ा आई थिंक जो हम देख रहे थे आधे घंटे पहले बाजार पर प्रेशर आया था, एक्चुअली एएनआई पर एक ट्वीट आया है, वहां के एक डिप्लोमैट हैं डोनाल्ड लू करके यूएस फॉरेन ऑफिस के, उनका एक कमेंट था, उनको एक सवाल पूछा गया था कल जो इंडिया ने अब्सटेन किया था यूएन जनरल असेंबली वोटिंग में, उस पर क्या कहना है, और इंडिया डिफेंस पार्टनर भी है रशिया का, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया है बट हम देख रहे हैं कि क्या इंडिया पर सैंक्शंस लगने चाहिए या नहीं। इनका एक एक्ट है कैट्सा करके, CAATSA, जो उन देशों पर अप्लाई होता है जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं बट सैंक्शन देशों के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद उसके तहत उन्होंने ये कमेंट एक किया था जिसकी वजह से एक रिएक्शन आते थे। उस वजह से गिरना ही नहीं चाहिए मार्केट, पहली चीज, और रिएक्शन बिना और रिएक्शन बढ़े नहीं बढ़े, एफआईआई की सेलिंग वो एक अलग चीज है, उस खबर में कुछ दम ही नहीं है। पहली चीज तो ये कि जो किसी का साथ दे रहे हैं उसको लेके इतनी तकलीफ है, जो काम कर रहा है उससे तो आपसे निपटा नहीं जा रहा। Correct. पहले रशिया से तो निपट ले, जो सीधे सीधे तौर पर घुस चुका है यूक्रेन में, पहले जो आपको सीधे धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे उनसे, ये अमेरिका का खिसियानी वेली खंभा नोचे टाइप है। और पहली चीज तो डोनाल्ड लू साहब ने कहा, मैं उसको अमेरिका का स्टेटमेंट भी नहीं मानता कि पूरा अमेरिका का ऐसा सोचता है, और सोचे तो अमेरिका का नुकसान है, लगा ले 35 देशों पर प्रतिबंध, ठीक है हिम्मत तो करके देखे पता चल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी का, हर देश का अपना अपना स्टैंड है, अपना अपना व्यू है, कोई अमेरिका की सरकार थोड़ी चलती है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरकार अपने हिसाब से सोचती है, सही है गलत है वो हमारा लुकआउट है, अमेरिका का नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ये सैंक्शन वेंक्शन अमेरिका के लगाने की ताकत ही है। अमेरिका तो खुद को बचा ले तो बड़ी बात है कि जो अब तक वो समझता है कि हम दुनिया के दादा हैं, हम दुनिया के बादशाह हैं, वही कुर्सी आपकी हिल रही है, वही लोग मानने को तैयार नहीं है, और धीरे धीरे करके अमेरिका का बिल्कुल क्लियर कट एक ही सिस्टम बन रहा है। हर एक देश जो अमेरिका पर भरोसा करता था उसका अमेरिका ने मुसीबत में कभी साथ नहीं दिया। एब्सोल्युटली। सो इसलिए ये खैर फॉरेन पॉलिसीज बड़े स्ट्रेटेजिक चीजें होती है, ये होती है। मैं तो सिर्फ मार्केट के पर्सपेक्टिव से कहना चाहता हूं कि मार्केट के लोगों को अगर ये लगता है कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा क्योंकि हम रशिया का साथ इनडायरेक्टली दे रहे हैं, उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करके एब्सेंट रखे, तो इनमें कोई दम वाली बात नहीं है, और हम अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, 35 देश कर रहे हैं तो कोई कम नहीं है, 111 देश उनके फेवर में आए थे रशिया के अगेंस्ट में, और 35 देशों ने एब्सेंट किया और 5-6 देश जिन्होंने उनके फेवर में किया, तो लगभग आप देखिए जितने फेवर में है उसके 1/3 तो एक तरह से न्यूट्रली आप अगेंस्ट में ही है ना। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट को इस तरह के रिएक्शन की जरूरत है, बट ठीक है बाकी चीजें भी है, बेचने वालों को भी बेचने के लिए मौका चाहिए, खबर कोई खबर चाहिए तो खबर जब भी आएगी
50-75-100 पॉइंट के मूवमेंट इसी तरह से बाजार में आती रहेंगे। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज निवेश का फंडा, और आज हम बात करेंगे आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ जॉर्ज हेबर जोसेफ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। बाजार के इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में और युद्ध की मुश्किलों के बीच में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाकर बैठे हैं बाजार में, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो इस गिरावट में इस कमजोरी में मौके ढूंढ रहे हैं बाजार में, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ जॉर्ज हेबर जोसेफ साहब को। जोसेफ साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, जो इन्वेस्टर्स हैं चाहे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाया हो या फिर बाजार में सीधे तौर पर शेयर खरीद कर बैठे हैं, डरे हुए हैं कि मामला सुलझता नहीं दिख रहा है, बिगड़ता और जा रहा है, क्या करें, शेयर होल्ड करें, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होल्ड करें या एक बार बेच दें फिर नीचे आएगा तो वापस ले लेंगे, वो बहुत लोगों के मन में आता है, क्या कहेंगे सर आप? अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद ये शो पे आने के लिए। एंड यू नो ये कहना चाहता हूँ, पिछले छह महीने से हम लोग हमारा फैक्टशीट में लिख रहा है यू नो वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, आप यू नो डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज देखना चाहिए और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमने काफी बार हमारा फैक्टशीट्स में हर महीने में लिखा था जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, क्योंकि यू नो मार्केट मार्केट के वैल्यूएशन काफी ऊंची तरह से जा रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप हर दिन ऊपर जा रहे थे एंड मार्च 2020 से रोज मार्केट ऊपर जा रहा था यू नो बिना करेक्शन के साथ, तो वो हेल्थी नहीं है। तो हम लोग वो इसे सोच रहे थे कि यू नो मार्केट में थोड़ा गिरावट आ जाए एंड वैल्यूएशन सस्ता हो जाए देन मार्केट को मार्केट का हेल्थ भी बढ़ सकता है। सो ये चीजों के बारे में अभी फिलहाल हम लोग ये सोचना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है वो तो क्लियर है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहा है वो इनपुट कॉस्ट प्रेशर और बढ़ जाएगा, कंपनियां यू नो पिछले कोरोना का प्रॉब्लम से बाहर आ रहे थे तभी सोच रहा था यू नो अभी तो ओपनिंग अप ट्रेड अच्छी तरह से हो जाएगा, हमारा यू नो सामान सब अच्छी तरह से बिकेगा, अभी वो दूसरा माहौल पे चला गया, ऑयल प्राइस जबरदस्त ऊपर जा रहा है $115 के करीब आ गया। ये सिचुएशन में हमको ये सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम कमोडिटीज के लिए काफी बेहतरीन समय है एंड कमोडिटीज अच्छा करेगा ये माहौल में एंड दैट इज व्हाट यू नो वी हैव टू क्लियरली थिंक। एंड ऑयल सेकेंड डेरिवेटिव ऑयल ऑयल ऊपर जाने की वजह से सेकेंड डेरिवेटिव बेनिफिशरीज है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि यू नो ऑयल ऊपर जाएगा, ऑयल इक्विवेलेंस और एनर्जी इक्विवेलेंस जो कोल और लिग्नाइट एंड यू नो जो सारे कंपनियां हैं वो भी ऊपर जाने का अच्छा माहौल बन जाएगा। सो वी आर थिंकिंग दैट देयर आर बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे कमोडिटीज में बहुत सारे सब सेक्टर्स है, मैंगनीज एंड यू नो कोल एंड यू नो वेरियस अदर सेगमेंट्स व्हिच आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। एब्सोल्युटली, तो इस मुश्किल समय में कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे सर एक चीज बताएं, आपने इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला शुरुआत में कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, जरा समझाएं किस तरह के ये फंड्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और अभी क्यों? या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसा चीज होता है, उसमें डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, परसेंटेज ऑफ डेट और परसेंटेज ऑफ इक्विटी में फर्क होता है, यू नो हाइब्रिड फंड्स बोला जाता है ये सेगमेंट को। तो म्यूचुअल फंड्स में कई तरह से फंड्स है, यू नो बहुत लो रिस्क फंड्स भी है, हाई रिस्क फंड्स भी है विद इन द डेट सेगमेंट, सेम थिंग फॉर विद इन द इक्विटी सेगमेंट, एंड वो इक्विटी एंड डेट का मिक्स होता है यू नो हाइब्रिड फंड्स, उसके अंदर यू नो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स आ जाते हैं। तो आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड बोल के हमने हमारा प्रोडक्ट है वो डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में यू नो पिछले एक वर्ष में टॉप क्वार्टाइल में चल रहा है एंड यू नो दैट फंड इज ए वेरी नाइस प्रोडक्ट बिकॉज डेट का थोड़ा बहुत सेफ्टी भी मिल जाएगा एंड इक्विटी का आपका ग्रोथ भी मिल जाएगा एंड वही कैटेगरी में कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोल के कैटेगरी है विच इज
very interesting category which we are looking at this point in time. And वो category भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग FD में पैसा डाल के 5% इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं. बट यू नो इन्फ्लेशन जो चीज है आपको आपका पर्स खाली कर देता है, यू नो, बिकॉज 6% इन्फ्लेशन है. सो आपको नेट रियलाइज्ड रिटर्न, नेट रियल रिटर्न, यू नो, नेगेटिव में चले जाता है. तो 5% इंटरेस्ट रेट है, 6% इन्फ्लेशन है, आपको नेगेटिव 1% का रियल रिटर्न मिलता है. मतलब यू नो आपका पर्स खाली हो रहा है रोज. फो 150 लाख करोड़ is lying in you know fixed deposits, bank fixed deposits. For hum log soch rahe hain, you know, aisa product hona chahiye in the dynamic asset allocation category. Har din, you know, product mein equity aur debt ka allocation fund manager badalte rahenge market ke scenario ke hisab se. For investors ko itna samajh mein nahi aata equity mein dalna hai, debt mein dalna hai. To debt mein dalenge to, you know, interest rate kidhar ja raha hai, interest rate niche ja raha hai, upar ja raha hai, wo sab bahut complex subject hai. इसलिए ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन एज ए कैटेगरी इज बिकमिंग पॉपुलर. एंड वो कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या है कि यू नो ओनली 25% विल बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड 75% विल बी इन्वेस्टेड इन डेट. एंड डेट में भी आपको एक्टिव स्ट्रेटजी चला सकता है. हमारा डायनेमिक बॉन्ड फंड, आईटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, आप देखें तो पिछले 7 महीने में हम लोग काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है. एंड वो प्रोडक्ट में भी वो तो इक्विटी डेट का एलोकेशन काफी ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं. मैच्योरिटी प्रोफाइल और मॉडिफाइड ड्यूरेशन वगैरह हम लोग काफी अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं. उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एलोकेशन काफी ज्यादा होंगे तो देन यू नो यू विल हैव लेस ऑफ एनी क्रेडिट प्रॉब्लम ऑल्सो. तो वैसे हम लोग अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं. ठीक बात है. तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो असफ सर की तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सही रास्ता दिखाने के लिए. आइए, थैंक यू सर. आइए, बाजार हल्के फुल्के मजबूती के साथ निफ्टी पर है लेकिन बैंक निफ्टी हमेशा की तरह फिर से कमजोर होने के संकेत सारे दे रहा है. 35,200 के आसपास वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का. आइए एक बार जल्दी से रजत सर से पूछी जाए उनकी शॉर्ट टर्म पिक बताइए सर. जी मेरा शॉर्ट टर्म पिक पहले भी मैंने ये काफी नीचे की लेवल से दिया था, अभी शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूँ RHI मैग्नेसिटा. ये मैग्नेशियम प्रोडक्शन में एंगेज्ड है और इसमें काफी रुचि है लोगों की. तो अभी मैं 508 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको 563 से 575 इस लेवल तक जाएगा ऐसा उम्मीद करके 1 से 3 हफ्ता का ये शॉर्ट टर्म ट्रेड दे रहा हूँ. ये इसमें मेरा क्लाइंट लोगों की पोजीशन हो सकता है, आपकी दर्शकों को भी पोजीशन हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का कोई पोजीशन इसमें है. Okay, तो ये है आपके लिए RHI मैग्नेसिटा जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी 563-575 के टारगेट के लिए और 508 का लगाना है इस पर स्टॉप लॉस. चलिए नजर रखते हैं रजत सर की तरफ से उनके शॉर्ट टर्म पिक का. हेमंत सर की भी बाकी है. जी सर. तो हेमंत सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर. अनिल जी मेरी शॉर्ट टर्म पिक वरुण बेवरेजेस है और ये कंपनी एक पेप्सिको की मास्टर फ्रेंचाइज है और सबसे बड़ा जो ट्रिगर जो हम देखने जा रहे हैं कि अब तक ये कंपनी सिर्फ बेवरेजेस के ही काम में जुड़ी हुई थी और काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन थी, पर अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन में ये न्यूज आई है कि जो पफकॉर्न जो प्रोडक्ट है जो एक फूड प्रोडक्ट है उसमें भी उन्होंने पेप्सिको के साथ टाइप की है. तो ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज में ही कंपनी काफी बढ़िया कर रही है तो अगर फूड प्रोडक्ट्स में भी और प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये कंपनी को मिल सकता है और इसमें हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 1175 का है. तो 1175 के टारगेट लिए खरीदारी करिए. अब स्नैक प्रोडक्शन में भी वरुण बेवरेजेस डाइवर्सिफाई कर रहा है तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल हमने आते हुए दिखा था. वरुण बेवरेजेस ये पसंद है हिमांग सर को. आइए जय एक ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं बिगुल जय ठक्कर के लिए. जय का जैकपॉट. बताए जय. दीपांशु बैंकिंग डेफिनेटली थोड़ा बहुत वीक है कंपैरेटिवली और यू नो मार्केट काफी रेंज में, बट देन यू नो आईटी क्लियर विनर है इसलिए कोफोर्ज का 4800 का कॉल खरीदे आप करीब करीब अभी
150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका एक रेंज देता हूँ 150 से लेकर 160 तक आप खरीदे। दीपांशु ऊपर में जो इसके टारगेट्स बनकर आ रहे हैं वो है 314 एंड दूसरा टारगेट है 340, 314, 340, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। कोफोर्ज का 4800 इस ट्रैक का ऑप्शन, मुझे तो लग रहा है कि 49, 49, 50 तक जाता है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी बने दिया था, आई गेस तभी सेमी जी ने भी कहा था इसको दिया था, वो टारगेट्स तो हमारे हासिल हुए। LTTS भी हमने दिया था, उसके भी टारगेट्स हासिल हुए थी। कोफोर्ज फिर से मोमेंटम में आ रहा है। आई थिंक IT एज एन ओवरऑल सेक्टर शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सो नो, ये मार्केट जो रेंज में है उसमें कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। आई थिंक जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहां पे हम लॉन्ग पोजिशन डेफिनेटली क्रिएट करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय इस वक्त जय की तरफ से आती है। एक बार स्टॉप लॉस फिर से बताइए सर। अनिल जी, इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा नीचे वो 121 पर रहेगा, 121। ओके, तो कोफोर्ज पर खरीदारी कर रहा है, ऑप्शंस के जरिए आप इसमें ट्रेड करके चले। मिड कैप IT, अनिल जी आज फ्लेवर आज का यही है, कल भी कोशिश करी थी सस्टेन नहीं कर पाया, बट आज अच्छी बात है कि एटलीस्ट फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में सस्टेन कर लिया है मिड कैप IT ने इस समय। जबरदस्त एक्शन यहाँ पर, मूव अच्छी आ रही है, बढ़िया मूव आता दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में दीप ठीक है मामला जी, वही जैसा हाल इंडेक्स का वैसा दूर दूर तक। कैन यू बिलीव जी, 2400 शेयर BSE पे मजबूत है और 700 कमजोर है। हर एक कमजोर शेयर के सामने 3 शेयर मजबूत है, ये तो BSE का हाल है। NSE तो और भी जबरदस्त, और भी मूव है। सिर्फ 344 शेयर कमजोर है, 1544 शेयर मजबूत है, यानी एक शेयर के सामने 5 शेयर मजबूत है। तो ब्रॉडर मार्केट तो फिट है एकदम चुस्त दुरुस्त से। ये जो थोड़ी प्रॉब्लम है ये बैंक निफ्टी कब सुधरेगा तो बैंक निफ्टी की तरफ से समस्या ज्यादा है, और बैंक निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट कमजोर है, लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल एग्जैक्ट 16600 पे परफेक्ट सपोर्ट लिया है कल की क्लोजिंग पे। बिल्कुल सर, लाल में गया नहीं, वहां से घूम गया, और बैंक निफ्टी 35138 का लो बनाकर थोड़ा अब रुकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आइए अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, RSWM। दीप, RSWM और इस कंपनी के फुल फॉर्म मुझे पता है जी, क्या है सर? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड। तो कनेक्शन तो इसलिए मुझे पता है, पहले पूरा नाम हुआ करता था, अब RSWM हो गया काफी लंबे समय से। पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, LN जिंजिन वाला भिलवाड़ा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। सिंथेटिक ब्लेंडेड और कॉटन स्पेशलिटी वैल्यू एडेड यार्न और बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाने का और एक्सपोर्ट करने का कारोबार है कंपनी का। फैब्रिक, डेनिम, ग्रीन पॉलिस्टर फाइबर वगैरह ये सब बनाती है कंपनी। 10 प्लांट है कंपनी के पास, और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, USA, मतलब लगभग पूरी दुनिया में 78 से ज्यादा देशों में कारोबार है, वहां एक्सपोर्ट कर 78 कंट्रीज जो मेरे पास डेटा है रिसेंट, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजू झुंझुनवाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी UK से बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज में बैचलर्स हासिल कर चुके हैं। 1999 से आप RSWM के साथ जुड़े हैं 21 साल की उम्र से। HEG लिमिटेड जो इनकी ग्रुप कंपनी एक और है उसमें आप वाइस चेयरमैन हैं, और भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड के MD भी हैं। झुंझुनवाला साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल टेक्सटाइल सेक्टर के इस वक्त के मूड माहौल को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है कि पिछला एक साल बड़ा जबरदस्त रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए डिमांड के लिहाज से, अभी किस तरह की सिचुएशन है? अभी भी मजबूत है डिमांड? आउटलुक कैसा दिख रहा है सर ये बताएं। थैंक यू अनिल जी, आपने जो बताया कि पिछले एक साल से एक माहौल बहुत बढ़िया हुआ है टेक्सटाइल के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके पहले एक साल जो कोरोना जब चालू हुआ था उस समय ऐसी हालत हो गई थी टेक्सटाइल कंपनी की कि अगले 3 महीने क्या करेंगे। द काइंड ऑफ ले ऑफ ऑल कंपनीज हैड टू डू, जहां आपको लेबर को मैनेज करना था, लेबर का माइग्रेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक एक जो आपको चढ़ाव देखने में आ रहा है कॉटन में, और ये हर सेक्टर में, चाहे यार्न हो, चाहे फैब्रिक हो, चाहे अपैरल हो, होम टेक्सटाइल हो, ये चले जा रहे हैं। रॉ मटेरियल का प्रेशर जरूर है, हर इनपुट प्रेशर जरूर आ रहा है हर एक सेक्टर पे, लेकिन आज ये हर जगह पास ऑन हो जा रहा है। तो अभी भी आप जो माने क्वार्टर 3 जो खत्म हुआ है और अभी जो क्वार्टर 4 चल रहा है उसमें भी कहीं भी आपको थोड़ी सी भी 1% भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो ये बात ठीक है कि
मार्जिन प्रेशर है, लेकिन अब मार्जिन प्रेशर तो सब तरफ से कॉटन के दाम बढ़े हुए हैं, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्रूड और $115 के ऊपर आ गया, तो अब तक तो प्राइसिंग पावर है, अब आगे क्या मैनेज कर पाएंगे? इतनी डिमांड है स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़ा मुश्किल होगा मामला? देखिए सर, इसमें जो काम हुआ है आजकल, जो डिमांड जो खुली है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो एक्सपोर्ट की जो डिमांड आई है, ये जो चाइना प्लस वन आपने सुना होगा काफी टाइम से, जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं ग्लोबली, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो आइकिया हो, H&M हो, मैं दसों ब्रांड्स का नाम ले सकता हूं जिनका चाइना प्लस वन थ्योरी आई है कि भाई हम चाइना के अलावा एक भी सप्लायर रखेंगे। पहले ये चाइना से अपनी पूरी खरीदारी कर रहे थे, अब चाइना प्लस वन। अब प्लस वन होते ही जब वो इंडिया में आएंगे, इंडोनेशिया में आएंगे, वियतनाम में आएंगे, तो इतनी बड़ी डिमांड है इन लोगों की कि अगर 10% भी बिजनेस चाइना से इंडिया शिफ्ट होता है, वियतनाम शिफ्ट होता है, कहीं भी शिफ्ट होता है, तो बहुत बड़ी डिमांड के तरह से उभर के आएगी। ये भी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर कि इस पर पिछले 3 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है ज्यादा कंपनी के, तो कैपेसिटी वो की वो है। पिछले 6 महीने से एक्सपेंशन चालू हुए हैं और अगले 2-3 साल ये एक्सपेंशन का थिंग जारी रहेगा क्योंकि टाइम लगता है। तो आपने सही बात कही कि अभी तक मार्जिन प्रेशर नहीं है, लेकिन अब क्रूड ऑयल जैसे बढ़ के $110 हो गया है, तो उससे आगे देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो रॉ मटेरियल है, पॉलिएस्टर का जो रॉ मटेरियल है, पीटी, MEG, इन पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से बढ़ती है। लेकिन ये एक ग्लोबली राइज है, ये अच्छी बात इसकी ये है कि एक ग्लोबल इंक्रीज है, ये कोई सिर्फ इंडिया के लिए इंक्रीज नहीं है, ग्लोबली एक हरे सारे प्रोडक्ट, चाहे वो कॉटन फाइबर हो, पॉलिएस्टर फाइबर हो, दीज आर ऑल ग्लोबली प्राइज्ड। और ग्लोबली प्राइज में अगर हर जगह के लिए दाम बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, बिकॉज रिटेल कंज्यूमर को आप सारा कुछ नहीं पास ऑन कर सकती है सारी ब्रांड्स। लेकिन ज्यादातर आपको देखने में यही मिलेगा कि एक मार्जिन के लिए एक मार्जिन और क्वांटिटी का एक हेल्दी बैलेंस बना रहेगा अगले क्वार्टर में भी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से थोड़ा एक्सपेंशन के बारे में, कैपेक्स करने के बारे में कंपनियां सोचने लगी है, आप भी कर रहे हैं सर? हमने भी कैपेक्स का प्लान बनाया है, हमने अगले 3 साल का कैपेक्स का प्लान बनाया है इंटरनल एक कंपनी के लिए, और अभी भी हम जैसे अपनी स्पिनिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, स्पिनिंग के 2 नए प्लांट लगा रहे हैं, डेनिम कैपेसिटी हमने करीब 30% बढ़ाई है जो ऑलरेडी चालू हो गई है, बाकी मॉडर्नाइजेशन और सब चीज के ऊपर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, बट मेनली और एक हमारा निट फैब्रिक का नया प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि देखा ये है हमने कि पिछले 2-3 साल में एक जो चेंज आया है कंज्यूमर बिहेवियर में, ये ज्यादा निट फैब्रिक की तरफ लोग घुस रहे हैं, जो कैजुअल वेयर जिसको आप बोलते हैं, कैजुअल वेयर के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं। तो हमने निट फैब्रिक, कॉटन स्पिनिंग और अपने डेनिम फैब्रिक, इन तीनों के ऊपर हमारे एक्सपेंशन इस साल में काफी जायज है और करीब 450 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान है हमारा। तो सर उसके लिए कुछ और पैसा डेट के तौर पे लेने की जरूरत पड़ेगी या फिर, क्योंकि 2.5 साल में आपने काफी कर्ज कम किया है, 1450 करोड़ से घटाकर 900 करोड़ तक लेके आए, तो मतलब डेट में काफी रिडक्शन हुआ, तो इंटरनल अक्रूअल से हो जाएगा काम या फिर और थोड़ा डेट बढ़ाएंगे? नहीं, इसमें डेट बढ़ाना पड़ेगा, इसमें डेट आप बढ़ाओगे क्योंकि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि टेक्सटाइल सेक्टर में आपको हर स्टेट से सब्सिडी मिल रही है, तो आज भी हम जैसे राजस्थान में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमको करीब 4-5% डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, तो अगर आपका नेट कॉस्ट ऑफ डेट 3-4% पड़ रहा है तो डेट लेना इसमें काफी जरूरी हो जाता है। तो ये मिक्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल और डेट रहेगा, और जैसे आपने कहा कि भाई पिछले 3 साल में हमारे डेट में काफी रिडक्शन हुआ है, तो कंपनी का आज जो डेट इक्विटी हम देखें और आगे जा चलते हुए अगले 3 साल का हम देखें तो काफी फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास और एक्सपेंशन लेने को। ठीक बात, ये एक्सपेंशन जो हम सारे करेंगे, जो इस राउंड के एक्सपेंशन जो सारे हम कर रहे हैं वो सारे एग्जिस्टिंग लोकेशन पे कर रहे हैं, सो ऑल दीज एक्सपेंशन विल बी एट द एग्जिस्टिंग साइट्स, एग्जिस्टिंग लोकेशन, ताकि हमको वहां वॉल्यूम का एडवांटेज मिले, वेरिएबल कॉस्टिंग का एडवांटेज मिले, फिक्स कॉस्ट हमारे सेम रहे, तो सारे और जल्दी जल्दी जहां पे हमारा लैंड ऑलरेडी हो, बिल्डिंग हो, वहां पे एक्सपेंशन हो, ताकि नॉर्मली जो आपने देखा एक्सपेंशन में 24 महीने लगते हैं, फिर उसको 1 साल स्टेबलाइज करने में लगता है, तो उस टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी दब जाती है, लेकिन इस बार के हमारे जो एक्सपेंशन है वो सारे एकदम क्विक टर्न अराउंड एक्सपेंशन है कि एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे आप करके जल्दी से जल्दी उसका रेवेन्यू आप गेन लेने लगो। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे आपकी सेल्स है 1000 करोड़ क्वार्टरली, तो एक्सपेंशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी
और कंप्लीट करने में क्या 2-3 साल लगेगा या जल्दी हो जाएगा एक्सपेंशन कंप्लीट? ये राउंड ऑफ एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया ये तो अभी खत्म हो जाएगा आपका अप्रैल में तक, अप्रैल इस साल के अप्रैल में तक ये एक्सपेंशन सारे जारी हुआ करीब 450 करोड़ के। हमारी क्वार्टरली सेल आप अगर बनाओ तो ऑन स्टेबल बेसिस हमारी क्वार्टरली सेल करीब 800 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इतने बढ़ गए इसलिए फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस पे आप लो तो करीब 750-800 करोड़ कंपनी का टॉप लाइन रहा है, इसमें करीब 500 करोड़ की बढ़ोतरी होगी एक्सपेंशन के बाद। आपका जो ये तीसरी तिमाही का प्रेजेंटेशन था इन्वेस्टर्स के लिए उसमें आपने लिखा भाई कि जो नॉन कोर एसेट्स हैं उन्हें थोड़ा बेचने का आप इरादा रखते हैं, तो कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि कौन सी एसेट्स है, कितनी वैल्यू की है, कब तक करेंगे? नॉन कोर एसेट्स में अब इसमें बहुत ज्यादा जो है कि कंपनी को एक टर्न अराउंड हो जाए उससे कुछ नहीं, ये करीब 30-40 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स जो हम बेच रहे हैं, थोड़ी बहुत लैंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी भीलवाड़ा में पुरानी, एक हमारा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल था जो कभी हमने यूज नहीं किया, जो हमने कोल के लिए लगाया था पहले उसका कभी यूज नहीं हो पाया बिकॉज कोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई है, तो फ्रेट टर्मिनल खाली पड़ा था तो उसको हमने अभी बेचने का एमओयू किया है, तो ये सब मिला के करीब 40-45 करोड़ रुपए का नॉन कोर एसेट्स हम बेचेंगे। जिसके अलावा एक जो हमारा पुराना ब्रांड हुआ करता था कंपनी का मयूर सूटिंग, जो हमारा फैब्रिक बिजनेस था जो करीब टॉप लाइन में करीब आप मान लो उसको करीब 150 करोड़ रुपए हुआ करता था लेकिन लॉस मेकिंग हुआ करता था पिछले 7-8 साल से आप उसको देखो, तो वो हमने वी हैव सोल्ड इट टू लास्ट क्वार्टर हमने देखा होगा कि हमने उसको डोनियर जो कंपनी है डोनियर को सेल कर दिया था, तो ये 3 चीजें हमने लास्ट क्वार्टर में करी कि जिससे जो थोड़ा नॉन कोर एसेट्स और जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस है उसको कैसे बंद किया जाए। सर वो उसकी क्वालिटी बड़ी जोरदार थी मयूर की, आपकी जो ब्रांड थी, मैंने स्कूल कॉलेज के जमाने में बड़े कपड़े पहने मयूर के और बड़ा मजा आता था पहनने में, मतलब एक अलग फील आती थी। हाँ। उस टाइम से स्कूल कॉलेज टाइम से लेके आज के टाइम तक पूरा एक ट्रेड चैनल सब कुछ बदल चुका है जी। अब रेडी टू वेयर का जमाना आ गया है, ये ब्रांडेड फैब्रिक्स, या तो आप एकदम बहुत बड़े हो एकदम एक साइज में कि आप पैसा खर्च सको यू नो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग हर चीज में, लेकिन ये जो मीडियम साइज का जब आप बन के रह जाते हो कि उस साइज और जहां आपका फोकस नहीं रहता फिर उससे बाहर निकलना ही ठीक है। क्वालिटी आज भी मयूर की उस फैब्रिक की बहुत बढ़िया है, क्वालिटी आज भी उतनी अच्छी है लेकिन जिस अभी प्रॉफिट और नंबर्स में उसको देखा नहीं जा पा रहा था हमारा। दीप यही खास बात है कि वक्त के साथ कैसे चीजें बदलती, देखिए जब हम स्कूल कॉलेज में थे उस समय ना रेडीमेड कपड़े रेडी टू वेयर कपड़े पहनना मतलब बड़ी बात होती थी, सिलवा के पहने जाते थे। करेक्ट सर। मतलब रेडीमेड पहनना महंगे कपड़े महंगे होते, आज जमाना ऐसा है कि सिलवा के पहनना मतलब महंगा माना जाता है, रेडीमेड इजिली अवेलेबल है, चीजें बदल जाती है, वैसा हाल है। पहले सब उस समय इंक पेन यूज करते थे, बॉल पेन बड़ी मुश्किल से रखते थे लोग, अब बॉल पेन सबके पास है, इंक पेन जो रखता है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जिंजीवाला साहब हमारे लिए समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत आपने की, थैंक यू सर। थैंक यू बिल्कुल। तो ये थे रिजू जिंजीवाला साहब RSWM के CMD बताते हुए कंपनी के प्लान के बारे में। आइए शो का समापन करें उससे पहले जल्दी से बिना बिगुल के एक कॉल किरण जी की तरफ से। किरण जी बताइए। अनिल जी बाय करके चलना चाहिए विप्रो, विप्रो ने एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है और स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है काफी स्ट्रांग है, 570 के ऑप्शन बैरियर के ऊपर कंसिस्टेंटली पिछले मॉर्निंग से पहले 15 मिनट के बाद कंटिन्यूअसली उसके ऊपर रह रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको कॉल ऑप्शन के जरिए एक ट्रेड लेना चाहिए। 570 का कॉल ऑप्शन आपको लगभग 22 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 19.50 रुपए होना चाहिए और टारगेट्स के लिए आपको अगर 3-4 दिन देते हैं तो मेरा मानना है कि 35 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। लगभग इधर से परसेंटेज वाइज देखे तो बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी ऑप्शन के जरिए, तो 570 का कॉल ऑप्शन आपको 35 के टारगेट्स के लिए 19.50 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से राय विप्रो का कॉल ऑप्शन खरीदने की। विदा लेने का वक्त है, धन्यवाद देने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार स्टेबल है, ऊपर से नीचे आ गए, कल के लेवल के आसपास है। बैंक निफ्टी फिर से कमजोर है, 250 पॉइंट के आसपास नीचे है, यही है माहौल, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का सम्मान। जय हिंद।